जय हिंद जय हिंद सबको जय हिंद भाई तो आज संडे को भी देखिए क्लास है क्योंकि एग्जाम आपका पास है तो कोशिश रहती है कि छुट्टी ना रहे और दिन डेली क्लासेस चले तो मैं अपने तरफ से सीरियस हूँ आप अपने तरफ से कितने सीरियस हैं वो आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि सात मार्च के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है बीपीएससी का तो ज़्यादा ज़्यादा कराने का प्रयास आपको रहेगा तो आज हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसा कल भी बताया थे, यानि था प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्वेश्चंस का लेवल मैंने मॉडरेट ही रहने का कोशिश किया है ईजी ही क्योंकि जिस हिसाब से पूछा गया है बाकी ये चैप्टर ऐसा है इसमें बड़े अच्छे अच्छे बड़े लेंदी लेंदी भी बनते हैं बड़े अच्छे सवाल भी बनते हैं लेकिन कोशिश रही है कि मीडियम ही रखने का मतलब जो बी का दो पिछले दो बार में रखा गया है या और टी जी एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन रहते हैं लगभग उसी का लेवल रखा गया है इंपॉर्टेंट सबके लिए होगा चाहे आप यूपी पीजी दे रहे हैं एल दे रहे हैं डी प्लस भी दे रहे हैं सबके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है पहला नंबर सवाल है एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डे बी कि कॉम्प्लीमेंट्री बराबर जीरो दशमलव आठ है अब कह रहा है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए और बी क्या कह रहा है दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो probability ऑफ बी कितना होगा ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं जिससे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है जीरो पॉइंट थ्री है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डे जीरो पॉइंट एट है ए और बी जो कह रहा है वो स्वतंत्र घटनाएं ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है दो बटा तीन होगा दो बटा सात होगा तीन बटे आठ होगा पांच बटा तीन होगा या इनमें से कोई नहीं होगा <गें> जल्दी से देखें पहले नंबर का क्वेश्चन कौन सब लोग सही बताते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सही बताते हैं जल्दी से बताया जाए पहले का सी बता रहे हैं लोग एक यूजर नेम ने पहले का सी बताया और लोग भी जल्दी से बता दीजिए तब फिर मैं बताऊंगा पहले का सी एक लोगों ने बताया है यूजर नेम ने पहले का सी बताया है और लोग भी जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें चलिए मैडम <coughs> प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बीडस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डस हमारा ठीक अब ये दिया हुआ है जीरो दशमलव आठ है ये जीरो दशमलव तीन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डस यानी कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा ठीक बी का पूछ रहा है अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डस क्यों भाई क्योंकि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं ए और बी क्या है दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो अगर दो स्वतंत्र घटना या बीडस इसको भी रहने दें इसको भी फिलहाल बी डे सी रहने देते हैं बी डे सी रहने देते हैं ठीक तो ये जीरो दशमलव हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 वन माइनस प्रोबलिटी ऑफ ए हमारा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डस इज इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो गया वो 5 बटे सात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा एक माइनस पांच बटे सात यानी कि दो बटे सात यानी कि कितना दो बटे सात यानी कि ऑप्शन नंबर बी पहले का जो आंसर होगा वो बी आएगा चार लोगों ने आंसर दिया है चारों का गलत है किन्हीं का भी सही नहीं है आपका उत्तर यूजर नेम जी शशिकांत शर्मा जी उमाकांत उपाध्याय जी मैथमा स्टडी पॉइंट तो चारों का आंसर आप लोगों का गलत है सही आंसर इसका क्या होगा बी होगा टू बाई सेवन होगा हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट स्वतंत्र घटनाएं तो स्वतंत्र घटनाएं क्या होता है स्वतंत्र घटनाएं चेक का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू ऑफ बी अगर दो इवेंट का दो घटनाओं के उभयनिष्ठ का प्रायिकता दोनों के अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो जाए इसका मतलब दी गई घटनाएं दोनों क्या होगी स्वतंत्र होगी फिर कॉन्सेप्ट क्या है यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं ठीक तो एडस और बीडस भी आपस में स्वतंत्र होगा एडस और बी भी आपस में स्वतंत्र होगा ए और बीडस भी आपस में स्वतंत्र होगा ठीक है जैसे ए कोई बात है ए और बी ए मान लिया राम के सच बोलने की घटना है और बी क्या है राम के श्याम के सच बोलने की घटना है तो दोनों स्वतंत्र घटनाएं भाई राम सच बोलेगा कि ना बोलेगा उसको श्याम से क्या मतलब है श्याम सच बोलेगा कि नहीं बोलेगा उसको राम से क्या मतलब है हमारा तो दोनों के सच बोलने की घटनाएं क्या स्वतंत्र है तो दोनों के झूठ बोलने की घटना भी स्वतंत्र होगी ठीक ए के सच बोलने की और बी के झूठ बोलने की घटना भी स्वतंत्र होगी बी के सच और ए के झूठ बोलने की घटनाएं भी क्या होगी स्वतंत्र होगी तो ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो एडस और बीडस भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी एडस और बी भी आपस में स्वतंत्र घटनाएं होंगी ए एवं बीडस भी आपस में स्वतंत्र घटनाएं होंगी समझ में आया सबको कहीं कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए किन्हीं का आंसर सही नहीं था इसलिए मैं जोड़ दे के पूछ रहा हूं क्लियर है या कोई डाउट है सॉल्व होने के बाद समझ गए जल्दी से एक बार कमेंट में बताएं तो फिर स्टार्ट अगले सवाल पे आए थोड़ा सा देखिए दिमाग का दही बनाने वाला यह चैप्टर होता ही है परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी आसान भी होता है बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लेता है लेकिन हां फंसाता बहुत है फंसाता मतलब यह ऐसा चैप्टर है जिसमें कॉन्फिडेंस आदमी को नहीं आ पाता है कि पता नहीं क्या किया है जल्दी से बताएं भाई धर्मेंद्र गौतम जी का क्लियर है मैथमेटा स्टडी पॉइंट भी क्लियर है चलिए धन्यवाद अगले सवाल की ओर कह रहा है ए बॉक्स कंटेंस हंड्रेड टिकट्स ठीक नंबर वन टू थ्री अप टू हंड्रेड टू टिकट्स आर चूजन एट रेंडम इफ इट इज गिवेन दैट द मैक्सिमम नंबर ऑन द टू चीजें चूजन टिकट्स इज नॉट मोर देन टेन then the probability that the minimum number on them is not less than फाइव not less than मतलब क्या कह रहा सौ टिकट है तो हिंदी में समझा दे रहा हूँ मैं सवाल को ठीक अब इतना लंबा लंबा सवाल है कि भाई इसके लिए सॉरी कि मैं हिंदी में क्योंकि एक ही टाइप कराना बड़ा कठिन काम हो जाता है ठीक तो हिंदी में मैं आपका ट्रांसलेटर हूँ मैं हिंदी में सवाल को ध्यान से सुनिए ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ उसके बाद आप ट्राई करेंगे तो क्या कह रहा है सौ टिकट है सौ टिकट पे एक दो तीन चार से लेकर के सौ तक क्या किया है नंबर लिखा गया है अब कह रहा है क्या उनमें से दो टिकट को यदृक्षा चुन लिया गया है उनमें से दो टिकटों को यदृषया चुना जाता है आपका अब कह रहा यह दिया हुआ है कि चुनी गए चुना गया जो दोनों टिकट है नॉट मोर देन टेन मतलब दस से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस तक हो सकता है दस से ज्यादा नहीं हो सकता है यह दिया है कि जो दोनों टिकट चुनाया है उस पर आने वाला नंबर जो है वो दस से ज्यादा नहीं है नॉट मोर देन टेन है तो पूछ रहा देन द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम नंबर ऑन देम इज नॉट लेस देन फाइव तो पूछ रहा है इसकी क्या संभावना है कि दोनों चुने गए टिकट पर जो नंबर आए वो पांच से कम ना आए दोनों टिकट पर आए नंबर जो हो वो पांच से कम नहीं आना चाहिए तो जल्दी से बताइए क्या होगा दूसरे का क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी से बताइए क्या होगा ये दिया है कि जो टिकट चुनाया है उस पर नंबर दस से ज्यादा नहीं आया है तो ये दिया हुआ है कि दस से ज्यादा नहीं आया है तब पूछ रहा है कि जो चुने टिकट है उस पर नंबर पांच से कम ना आया पांच से कम ना आया हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है जल्दी से एक बार बताइए देखें कौन बताते हैं भाई जल्दी से एक बार बताएं, <coughs> क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे सब लोग चैप्टर बड़ा मजेदार होता है दिमाग की बत्ती एकदम जला देता है आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी देखें भाई किन्ही का आंसर आता है सही सही कि नहीं आता है मैथमा स्टडी पॉइंट डी बता रहे हैं अच्छा जय हिंद ई e. अरे ई e तो है ये नहीं e कहां से आ जाएगा भाई राहुल जी ई e बता रहे हैं ई e है कहा ऑप्शंस में जो ई e आ जाएगा तो क्या होगा दस से ज्यादा नहीं मतलब दस में से दो टिकट हमारा और सिक्स सी टू अपॉइंटेन सी टू कितना आ जाएगा पंद्रह ना और ये कितना आ जाएगा हाँ सिक्स टू पंद्रह छ पांच दो और बटे कितना छ सात आठ नौ दस हाँ दस नॉट लेस देन फाइव पांच छ सात आठ नौ दस सिक्स टू और नीचे कितना दस गुना नौ बटे दो तो दो दो तो कट जाएगा हमारा दस नबा नब्बे पंद्रह बटे नब्बे यानी कि एक बटा आ, 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 एक बटा छः तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार हाँ, देखें भाई प्रोबेबिलिटी तो अक्सर सबको फंसा देता है तो मैं भी फंस गया हूं क्या इसमें फिर से एक बार सवाल को समझ लें मैक्सिमम नंबर ऑफ टू चूजन टिकट्स इज नॉट मोर देन टेन तो दस से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कह रहा देन द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम नंबर ऑन देम इज नॉट लेस देन फाइव तो पांच से कम नहीं यानी कि पांच छ सात आठ नौ दस हमारा ठीक दो दो चार दो छ हाँ, ठीक और दस से कम नहीं मतलब एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस ही तक आएगा ये हमारा तो सही तो है नॉट लेस देन फाइव का रहा ना हाँ तो सही है यार सिक्स सी टू अपॉइंट टेन सी टू होना चाहिए तो गुना पांच दस गुना नौ तीन दुना छ तीन तीन नौ पांच दुना दस हमारा ठीक तीन दोना छ तीन तीन नौ पंद्रह बटे नब्बे आएगा ना अच्छा छ पचेतीस एक बटे तीन सही तो है एक बटे तीन आ तो रहा है दो दो तो कट गया है ठीक है एक बटे तीन ए नंबर ए नंबर ऑप्शन नंबर ए है तो एक बटा तीन हमारा क्या कह रहा है ये कह रहा है सिंपल स्पेस का काम तो ये कर रहा है ना ये दिया हुआ है कि चुना गया नंबर जो हो वो दस से ज्यादा ना हो दस से ज्यादा ना हो हमारा तो दस से ज्यादा ना हो तो ये एक से लेके दस तक इन्हीं में से दो को अब कह रहा ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमारा उसके बाद पूछ रहा था कि दोनों चुने गया टिकट जो हो उस पर नंबर पांच से कम ना हो पांच से कम ना हो हमारा तो यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाला केस मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है हमारा सशर्त जो होता है कि ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि दोनों टिकट जो हमने चुना है उस पर संख्या दस से ज्यादा नहीं आया है यानी दस तक ही आया है उसके बाद पूछ रहा था कि इसकी क्या संभावना है कि वो पांच से कम ना आया हो तो आंसर एक बटा तीन आ जाएगा क्लियर है सबका या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें लैंग्वेज पे बड़ा ध्यान देना होता है यह ऐसा चीज है कि आप सब कुछ जान रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लैंग्वेज इधर उधर हुआ तो समस्या थोड़ी सी आ जाती है तो एक बटा तीन सही किया था सिक्स सी टू अपॉन टेन सी टू यह पंद्रह आ जाएगा यह कितना आ जाएगा पैंतालीस आ जाएगा एक बटा तीन आ जाएगा समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं क्लियर है धर्मेंद्र गौतम जी क्लियर है क्लियर है चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं एन अनवाइज डाइस इज रोल्ड फोर टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम नंबर ऑन एनी टॉस इज नॉट लेस देन थ्री नॉट लेस देन थ्री मतलब एक फेयर डाइस है पासा है हमारा मतलब पासा जो ओरिजिनल रहता एक से छह तक जैसे लिखा रहता वैसे ही है ठीक चार बार उछाला जाता है एक पासे को चार बार उछाला जाता है हमारा तो इसकी क्या संभावना है ठीक कि मिनिमम नंबर ऑन एनी टॉस इज नॉट लेस देन थ्री ठीक मतलब कि मिनिमम जो हो वो तीन से कम ना हो हर बार जो हो वो तीन से कम नहीं आना चाहिए हमारा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी एक बटे इक्यासी पैंसठ बटे इक्यासी सोलह बटे इक्यासी अस्सी बटे इक्यासी जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जल्दी से बताएं देखें कौन बताते हैं भाई चार पासे को फेंका गया है तो चारों बार निम्नतम पासे पर आने वाले की संख्या जो है वो तीन से कम ना हो तीन से कम ना आने की प्रायिकता क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है जल्दी से बताएं देखें कौन बताते हैं किसी पासे को चार बार फेंका जाता है तो चारों बार ठीक किसी बार भी पासे पर संख्या तीन से कम ना आए इसकी प्रायिकता क्या होगी यह आपसे पूछा जा रहा है तीसरे का सी नंबर नरेंद्र कुमार जी सी बता रहे हैं और लोग भी जल्दी से बता दें नरेंद्र जी तो सी बता रहे हैं हां सोलबे क्या सी बिल्कुल सही पासे पे तीन से ज्यादा तीन से कम ना हो मतलब तीन चार पांच छे हो तीन से कम ना हो मतलब तीन या तीन से ज्यादा हो हमारा और तो पासे पे तीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा टोटल छे मतलब दो बटा तीन तीन से कम ना आने की प्रायिकता कितनी आएगी दो बटे तीन आएगा अब यही काम चार बार रिपीट किया पहले पासे पे क्या आ रहा उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं दूसरे पासे पे आ रहा उसको पहले बाकी तीनों से कोई मतलब नहीं है तीसरे पे क्या आ रहा उसको पहले दूसरे चौथे से कोई मतलब नहीं होगा तो हर पासे पर नंबर आने की घटना जो होगी वो तो स्वतंत्र घटना होगी ना तो पहले पासे पर भी तीन से कम ना आने की दो बट्टा तीन दूसरे का भी दो बट्टा तीन तीसरे का भी दो बट्टा तीन चौथे का भी दो बटा तीन सब गुणा होकर के कितना सोलह बटे इक्यासी हमारा तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा हाँ इस बार सबका सही है राकेश जी नरेंद्र जी शशिकांत शर्मा धर्मेंद्र गौतम राहुल गिरी हाँ इस बार सबका सही है सी नंबर बिल्कुल इस बार सब लोग पहली बार में सही आंसर दिए हैं चौथा नंबर का रहा द प्रोबिलिटी दैट ए मैन विल लाइव फॉर टेन मोर ईयर्स इज वन बाई फोर एंड दैट हिज वाइफ विल लाइव टेन मोर इयर्स इज वन बाई थ्री द प्रोबिलिटी दैट द नैदर विल बी लाइव इन टेन ईयर्स मतलब कोई आदमी है हमारा वो अगले दस साल तक जिंदा रहेगा कोई आदमी अगले दस साल तक जिंदा रहेगा इसकी संभावना एक चार है और उसकी वाइफ उसकी बीबी अगले दस साल तक जिंदा रहेगी इसकी संभावना एक बटा तीन है हमारा ठीक तो पूछ रहा है इसकी संभावना बताइए कि अगले दस वर्षों तक दोनों में से कोई जिंदा ना रहे अगले दस वर्षों तक दोनों में से कोई जिंदा ना रहे इसकी संभावना क्या होगी ये पूछ रहा है कि ग्यारह बटे बारह दूसरा है सात बटे बारह तीसरा है एक बटे दो और चौथा है पांच बटे बारह तो क्या होगा देखें कौन बताते हैं भाई किसी आदमी के अगले दस वर्षों तक जिंदा रहने की संभावना एक बटा चार है उसके बीवी के अगले दस वर्षों तक जिंदा रहने की संभावना एक बटा तीन है दोनों में से अगले दस वर्षों तक कोई जिंदा ना रहे इसकी क्या संभावना होगी जल्द इस चौथे का यूजर नेम डी बता रहे हैं बाकी लोग भी बताइए भाई चौथे का और बाकी लोग चौथे का सी बता रहे हैं कमलेश जी मौर्या जी सी बता रहे हैं राहुल जी डी बता रहे हैं चंद्रभूषण मिश्रा जी सी बता रहे हैं मैथमा स्टडी पॉइंट बी बता रहे हैं सबका सब आंसर आ रहा है अलग अलग आंसर आ रहा है अरे क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एडस इंटरसेक्शन बीडस ना ना मिया जिंदा रहे ना बीबी जिंदा रहे ये पूछ रहा हमारा तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डस इंटू प्रोबिलिटी ऑफ बीटस ए का एक बटा चार है तो एडस का तीन बटा चार एक बटा तीन है तो ये दो बटा तीन 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 कट जाएगा एक बटा दो तो ऑप्शन नंबर सी ना अब मियाँ जिंदा रहे कि ना रहे उसको बीबी से क्या मतलब है बीबी जिंदा रहे उसको मियाँ से क्या मतलब है दोनों को मतलब दोनों अपने अपने जीवन में अब सती प्रथा तो चल ना रहा है भाई मतलब कंडीशन तो दिया नहीं कि पुराने जमाने की बात है सती प्रथा चल रहा था ऐसे बड़ू प्रथा उसको ना कहा जाए कुप्रथा कहा जाए वो कुप्रथा तो अब खत्म हो गया है ना भाई ठीक वो कहने की बात होती है जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए लेकिन सब अपना अपना जीवन होता है सबकी अपनी अपनी कथा कहानी होती है वो कहने को ही अभी नया नया अभी बीता भी है भाई वसंत पंचमी और चौदह फरवरी दोनों बीता है तो जीने मरने की कसमें जरूर खाते हैं लेकिन वो सब कहानी ऐसे सब मोहमाया है क्लियर है तो मियाँ अपने उम्र के हिसाब से जिएगा अपने भाग्य अपने किस्मत अपने हिसाब से और बीवी अपने हिसाब से तो वो दोनों घटनाएं क्या होगी स्वतंत्र होगी ठीक तो स्वतंत्र घटना है तो सीधे सीधे अलग अलग निकाल करके क्या कर देना होता है मल्टीप्लाई कर देना होता है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नहीं शशिकांत शर्मा जी ये गलत है ये गलत है तो ऑप्शन नंबर सी सही है एक बटा दो समझे सब लोग या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं जल्दी से बताइए भाई पॉइंट क्लियर है इतना गलत आंसर देंगे सब कैसे काम चलेगा भाई क्वेश्चन तो मैंने आसान आसान ही रखने का कोशिश किया है एट क्वाइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली चांस दैट द हेड अपर्स ऑन एटलीस्ट फाइव ऑफ देम एटलीस्ट फाइव ऑफ देम मतलब आठ सिक्के को उछाला गया है आठ सिक्के को उछाला गया है तो उस पर कम से कम पांच बार हेड आए इसकी क्या संभावना है आठ सिक्के को उछाला गया है तो उन आठ सिक्कों में से एटलीस्ट का रा कम से कम पांच पर हेड आए इसकी क्या संभावना होगी एट सी फाइव वन बाई टू टू पावर एट एट सी फाइव 83 थ्री अपॉन टू फिफ्टी सिक्स एटी थ्री अपॉन टू फिफ्टी सिक्स जल्दी से एक बार बताइए पांचवें का क्या होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का क्या आंसर होगा आठ सिक्कों को उछाला गया है तो उनमें से कम से कम पांच पर हेड आए इसकी क्या संभावना है पांच पर शीर्ष आए इसकी क्या संभावना ये पूछ रहा है दीपू तिवारी जी पांच का ए बता रहे हैं मैथमा स्टडी पॉइंट ए बता रहे हैं एम एम मिश्रा ए बता रहे हैं चंद्रभूषण मिश्रा जी भी ए बता रहे हैं अरे भैया कम से कम कह रहा है ठीक तो क्या होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का सवाल है हमारा ठीक क्या होता है एन बार उछालते हैं और पी बार सफल होने की प्राय आर बार सफल होने क्या लिखते हैं एन सी आर पी पर पावर आर क्यू पर पावर एन माइनस आर यही तो लिखते हैं क्यू पर पावर एन माइनस आर लिखा जाता है हमारा ठीक तो यहां पर क्या कम जहां पी क्या होता है प्रयोग को एक बार करने पे सफलता की प्रायिकता और क्यू क्या है प्रयोग को एक बार करने पे असफलता की प्रायिकता हमारा पहले कर देते हैं तो क्या आ जाएगा एट सी फाइव कम से कम वन बाई टू टू पावर फाइव वन बाई टू टू पावर थ्री प्लस एट सी सिक्स वन बाई टू टू पावर सिक्स वन बाई टू टू पावर टू सी होगा आंसर सी नंबर प्लस एट सी सेवन वन बाई टू टू पावर सेवन वन बाई टू और एट सी एट वन बाई टू टू पावर एट हमारा तो अब सॉल्व करेंगे तो एक बटा दो पर पावर आठ तो कॉमन आ जाएगा एट सी फाइव प्लस एट सी सिक्स एट सी सेवन प्लस एट सी एट आ जाएगा हमारा तो एट सी फाइव निकालेंगे तो कितना आएगा आठ सात छः बटे तीन यानी छप्पन आ जाएगा एट सी सिक्स निकालेंगे तब कितना आ जाएगा आठ गुना सात बटे दो हमारा तो ये अट्ठाइस आ जाएगा ठीक एट सी सेवन एट ही आएगा एट सी एट एक वन आएगा हमारा तो छप्पन अट्ठाइस चौरासी और आठ बिरानवे और एक तिरानवे और दो पर पावर आठ कितना दो सौ छप्पन तो आंसर कितना नाइन्टी थ्री बाई टू फिफ्टी सिक्स नाइन्टी थ्री बाई टू फिफ्टी सिक्स आएगा हाय भगवान किसी का भी सही नहीं है एमएम एमएन मिश्रा चंद्रभूषण जी उमाकांत जी राकेश कुमार राहुल साहनी राहुल गिरी नरेंद्र कुमार शशिकांत शर्मा तो आंसर सी आएगा क्या पढ़ते हैं इसको फिर समझिए कि अगर हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स ठीक याद कर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स एन है पी अगर क्या है सक्सेस प्रोबेबिलिटी इन वन ट्रायल वन ट्रायल है हमारा ठीक और क्यू क्या है फेल्योर प्रोपर प्रोबिलिटी या अनसक्सेस प्रोबेबिलिटी इन वन ट्रायल है आपका तो क्या होता है पहला नंबर ऑफ एग्जेक्ट आर सक्सेस एग्जेक्ट नंबर ऑफ एग्जेक्ट आर सक्सेस आर सक्सेस एन सी आर पी पर पावर आर क्यू पर पावर एन माइनस आर दूसरा क्या होता है नंबर ऑफ एटलीस्ट आर सक्सेस एटलीस्ट एटलीस्ट आर सक्सेस पूछ रहा है तो क्या होता है एन सी आर पी पर पावर आर क्यू पर पावर एन माइनस आर प्लस एन सी आर प्लस वन पी पर पावर आर प्लस वन क्यू पर पावर एन माइनस आर प्लस वन अरे यार अप टू कहां तक एन सी आर पी पर पावर आर तक और कह रहा एट मोस्ट आर सक्सेस नंबर नंबर नहीं प्रोबेबिलिटी 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 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट आर सक्सेस एटमोस्ट आर सक्सेस कहेगा तो क्या होता है एन सी जीरो क्यू पर पावर एन सॉरी एन सी एन पीपर पावर एन एन सी जीरो क्यू पर पावर एन एन सी वन पीपर पावर p पर पावर वन क्यू पर पावर n माइनस वन अब टू एन सी आर पी पर पावर r क्यू पर पावर n माइनस आर ये हमारा टोटल क्या होता है सूत्र होता है हमारा ठीक मतलब अगर प्रयोग को बहुत ज्यादा बार किया जाए तो उसको हम क्या बाइनोमियल वाले से करेंगे तो अगर प्रयोग को एन बार किया जा रहा है तो हम ये देखते हैं बस दो भाग में घटना को बांटते हैं सफलता या असफलता ठीक जिस चीज के बारे में पूछ रहा उसको सफलता मान लेंगे ठीक और जिस चीज के बारे में मतलब उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो हम क्या मानेंगे असफलता मानेंगे तो प्रयोग को एक बार करने पे सफलता की प्रायिकता यदि पी है और फेल होने की असफल होने की प्रायिकता अगर क्यू है तो ठीक आर बार सफल होने की प्रायिकता जो लिखी जाती है एन सी आर पी पर पावर आर क्यू पर पावर एन माइनस कम से कम आर बार सफल होना है एन सी आर से स्टार्ट करके एन सी एन तक जाएंगे और अगर अधिक से अधिक आर बार सफल होने का कहेगा तो एन सी जीरो से स्टार्ट कर करके एन सी आर तक जाया जाता तो यहां हमारा जो सवाल था वो क्या कह रहा था कम से कम पांच बार सफल होना है ठीक कम से कम राहुल साहनी जी सब पढ़ हम तो सब पढ़ा चुके हैं भाई आज से थोड़ी पढ़ा रहे हैं सब पढ़ा चुके हैं लेकिन तबो तो सब आंसर गलत दे रहे हैं ठीक तो रिवीजन का मतलब ही होता नहीं सब पढ़ा चुके हैं तो कौन सा चीज है जो ना पढ़ा है तो वही किया तो कम से कम यहां पांच बार कह रहा तो आठ में से पांच बार सफल होंगे या आठ में से छह बार होंगे या आठ में से सात बार होंगे या आठ में से आठ बार होंगे हम इस तरह से इसी को पूरा कैलकुलेट कर लिया है क्लियर है आई बात समझ में नहीं तो पूरी प्रोबेबिलिटी प्लेलिस्ट में जाएंगे शुरुआत से लेके आखिरी तक पूरा प्लेलिस्ट प्रोबेबिलिटी का बना हुआ है यूट्यूब पे ही पेड़ में तो जो पढ़ाए हैं पढ़ाए ही हैं फ्री में भी आपका यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर लगभग आपको कराए हैं क्लियर है समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें अब तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे पूरा अस्थि पंजर भी इसका दिखा दिया ऑपरेशन करके कहाँ से आया क्यों हुआ कैसे हुआ <coughs> चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ एन एक्सपेरिमेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स प्रोबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट वन बाई फोर एंड प्रोबिलिटी ऑफ बी वन बाई थ्री देन ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं इंडिपेंडेंट यानी कि क्या स्वतंत्र घटनाएं नॉट इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र घटनाएं नहीं है और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं जल्दी से एक बार बताइए जल्दी से बताएं भाई जल्दी से एक बार बताएं। छठे नंबर का बताएं ए और बी दो घटनाएं हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पांच बटा छह दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी ए सी मतलब क्या उसकी पूरक घटना ए के पूरक घटना की प्रायिकता एक बटा चार है और बी की प्रायिकता एक बटा तीन है तो ए और बी कैसी घटनाएं हैं ए और बी कैसी घटनाएं हैं ये पूछ रहा है दीपाली जी छठे का सी बता रहे हैं विजय विश्वकर्मा जी बी बता रहे हैं राहुल साहनी जी ए बता रहे हैं धर्मेंद्र जी सी बता रहे हैं ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो ये दिया है पांच बटा छे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी एक बटा चार है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा तीन बटे चार तो तीन बटे चार एक बटा तीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया तीन बटा चार एक बटा रे रे। तीन माइनस पांच बटा छो हो गया बारह चार ते बारह यानी नौ तीन चौक बारह चार और माइनस दस माइनस दस हमारा ठीक तो कितना आ गया नौ चार तेरह तीन मतलब एक बटा चार आ गया कितना आ गया ये एक बटा चार अब ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबिलिटी ऑफ बी करेंगे तो तीन बटा चार गुना एक बटा तीन यानी ये भी एक बटे चार आ गया ये भी क्या आ गया एक बटे चार तो क्या होता है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो तो ए और बी को क्या कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं मैथमेटिकली इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, है कि नहीं है उसको चेक करने का तरीका क्या होता है अगर दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाए तो घटनाएं क्या कहलाती हैं स्वतंत्र घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो तो ए एंड बी जो होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है एक्सक्लूसिव और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो तो ए एंड बी क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट मैथमेटिकली हम इसी से कॉन्सेप्ट से पता लगाते हैं घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं या नहीं है अगर यूनियन का प्रोबेबिलिटी दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के योगफल के बराबर है तो परस्पर अपवर्जी घटना है अगर दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर है इसका मतलब घटनाएं जो होंगी वो स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो वही चीज यहां है हमने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला एक वटाचार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबिलिटी ऑफ बी किया तो वो भी एक चार यानी बराबर probability of A into probability of B आया हमारा इसका मतलब क्या हो गया ये घटनाएं जो होंगी वो इंडिपेंडेंट होगी समझ गए सब लोग यूनियन बी जो है इसलिए परस्पर अपवर्जी नहीं होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है यानी कि क्या है घटनाएं स्वतंत्र हैं समझ गए है सब लोग या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें क्लियर है सबका खरा समझाना पड़ता है यार इसमें तो दशें खराब हो जाती है हाँ धन्यवाद भाई क्लियर तो हुआ कितने लोग तो भाग जाते हैं प्रोबेबिलिटी में छोड़ दा, जाए जाये हमारे काम का ना है लेकिन कितना करेंगे भाई सातवें नंबर ए पैक ऑफ कार्ड्स कंटेन फोर एसेस फोर किंग्स फोर किंग्स एंड फोर क्विंस एंड फोर जैक्स मतलब क्या है गड्डी में क्या है? चार इक्का चार बेगम चार बादशाह चार गुलाम है थी? दो कार्ड टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रेंडम द प्रोबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज किंग मतलब क्या है चार चार सब है हमारा अब इनमें से कह रहा दो चुना जा रहा है इनमें से क्या कह रहा है दो चुना जा रहा है हमारा अब उस चुने गए पत्तों में से कम से कम एक बादशाह हो इसकी क्या संभावना हो कम से कम एक बादशाह हो इसकी क्या संभावना है ये पूछ रहा है जल्द देखें होता है ताश की गड्डी में कौन को मतलब पूरा ताश का गड्डी नहीं ले रहा है ताश की गड्डी में पत्ता दे दिया कि गड्डी में क्या है चार ठो इक्का है चार ठो बादशाह है चार ठो बेगम है चार ठो गुलाम है हमारा मतलब टोटल बीस पत्ता है इसी बीस में से दो पत्ते को चुन लिया गया इसी बीस में से दो पत्ते को चुन लिया गया है अब उस चुने गए दो पत्तों में से कम से कम एक बादशाह हो इसकी क्या संभावना है कम से कम एक बादशाह हो इसकी क्या संभावना है पूछ रहा है जल्दी से एक बार बताइए कम से कम एक बादशाह हो सातवें का जल्दी से बताया जाए हगवान ट्वेंटी सी टू अपॉन फिफ्टी टू सी टू पता नहीं भाई क्या होगा एक बादशाह कह रहा बादशाह है कितना चार है तो फोर सी वन इंटू सिक्स और प्लस फोर सी टू चार दोनों दोनों बादशाह हो जाए अपॉन कितना ट्वेंटी सी टू करके देख लेते हैं फोर सी वन वन चौसठ फोर छे बटे बीस गुना उन्नीस बटे दो तो दस ना कुछ गलत हो रहा क्या यही ना ए पैक ऑफ कार्ड्स कंटेन फोर एस एस फोर किंग फोर टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट लीस्ट वन ऑफ देम कम से कम एक बादशाह हो कम से कम एक बादशाह हो हमारा हाँ तो ठीक है ना फोर सी वन कितना आ जाएगा चार आ जाएगा चार गुना सोलह हमारा और फोर सी टू कितना चौसठ तो 16 चका चौसठ सत्तर सत्तर बटे बीस गुना उन्नीस बटे दो न तो एक सौ चालीस बटे एक सौ नब्बे यही आएगा ना चौंसठ छ सत्तर सत्तर बटे एक सौ नब्बे तो कोई है ही नहीं आंसर यार सत्तर दुना एक सौ चालीस अच्छा नहीं एक सौ नब्बे नहीं सौ चालीस बट्टे बीस गुना उन्नीस जीरो जीरो कट गया हमारा सात बटे उन्नीस आ रहा यह तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सात बटे उन्नीस तो है ही नहीं ए पैक ऑफ कार्ड्स कंटेंस फोर एस फोर किंग फोर अच्छा फोर फोरकिंग दू बारहे दे दिया भाई फोर क्वीन एंड फोर जैक का बादशाह बेगम गुलाम चारेट होते हैं यार किंग किंग दो बार क्वेश्चन लिखने में ही गलती कर दिया है चार इक्का है चार बादशाह है चार बेगम है और चार गुलाम है टू कार्ड्स आर ड्रॉन गलत यहां लिखा ही है हमारा यार क्वेश्चन लिखने में कुछ गलती किया है देखते हैं किंग तो हटा दिए फोर सी वन ट्वेल्व सी वन फोर सी टू अपॉन कितना सिक्सटीन सी टू हमने कर दिया ये आ गया चार गुना बारह प्लस छ सोलह गुना पंद्रह बटे दो हमारा तो बारह छक अड़तालीस बारह चौक अड़तालीस छ चौवन गुना दो सोलह गुना पंद्रह दो अठी सोलह हमारा सोलह गुना पंद्रह ना कुछ कटेगा पिटेगा आठ दो अठी सोलह हो गया हमारा सोलह चौवन गुना दो ये ऊपर चला गया अठारह ये आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा नौ बटे बीस सी नंबर नौ बटे बीस आ जाएगा सी नंबर है नौ बटे बीस यहां हमने गिनती चार बार लिख दिया था ना इसलिए गलत हो गया चार एक का चार किंग चार किंग दो बार लिखा गया था इसलिए हमने बीस काउंट कर लिया था हमने क्या काउंट कर लिया था ट्वेंटी जिस वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा था लिखते समय गलती टाइपिस्ट महोदय है कि गलती ये नहीं है किंग किंग दो बार लिख दिया था हमने ध्यान दिया नहीं टोटल हमने बीस काउंट कर लिया था तो नौ बटे बीस आ जाएगा नौ कुल पत्ता जो है वो सोलह ही है कुल पत्ता जो है हमारे पास सोलह ही है ना कि बीस है अब कह रहा है सोनमें से दो पत्ता चुनने का रहा है और दोनों में से कम से कम एक बादशाह हो यानी कि चार में से एक बादशाह चुना है और पत्ता तो कुल हो। तो दो होना चाहिए ना तो बाकी बचे बारह पत्ते में से एक पत्ता चुनाए ठीक तो एक बादशाह हो जाए एक बाकी क्या है हमसे मतलब नहीं है या तो फिर दोनों के दोनों बादशाह हो जाए तो इतने तरीके से कम से कम एक बादशाह चुनाएगा और तो टोटल मतलब सैंपल स्पेस की बात करेंगे मतलब टोटल प्रोब इवेंट की बात करेंगे तो कितना टोटल 16 है जैसे मर्जी हो वैसे दो पत्ता चुनना है तो सिक्सटीन सी टू आ जाएगा तो ये आंसर नाइन बाई ट्वेंटी आएगा आंसर क्लियर है सब लोग समझे या ना समझे क्लियर <laughs> है सब अरे फेस कार्ड कहां लिखा है जय विश्वकर्मा जी फेस कार्ड लिखता तब तो, तो कोई दिक्कतें नहीं थी हम गिन लेते सोलह ठो हमारा यहां लिख दिया था चार्ट हो ये चार्ट हो ये चार्ट हो ये अब हमने ध्यान नहीं दिया कि दो बार किंग लिख दिया ये भी तो सकता है चार दहला लिख देता हमारा चार कुछ और लिख देता हमारा ये तो लिख हां क्लियर है समझ में आया सबको या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं धर्मेंद्र जो जी का क्लियर है उमाकांत उपाध्याय जी का भी क्लियर है चलिए अगले सवाल पे पहुंचते हैं ए फेयर क्वाइन इज टॉस्ट एन टाइम्स एंड द लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ टेन इफ प्रोबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स आर इन ए पी देन एन इज इक्वल टू मतलब किसी सिक्के को एन बार उछाला गया है किसी सिक्के को एन बार उछाला गया है तो कह रहा है चार बार हेड डाने की प्रायिकता, चार बार हेड आने का पांच बार हेड डाने का और छह बार हेड डाने का जो है वो क्या है एपी में है समानांतर श्रेणी में है हमारा तो एन का मान क्या हो सकता है ये पूछ रहा है तो एन मान कितना हो सकता है ये पूछ रहा है हमारा तो जल्दी से बताइए क्या होगा क्वेश्चन <क्यों> नंबर एट का क्वेश्चन नंबर एट क्या होगा जल्दी से एक बार बताएं जल्दी से बताइए भाई पानी सही आज ही क्या है पीले हम्म हाँ क्या होगा बड़ा कल भी हम लोग बाइनोमियल में भी ये सवाल पढ़े थे आर बार सफल होने का क्या पढ़े थे एन सी आर वन बाई टू पर पावर एन माइनस आर वन बाई टू पर पावर आर होता था तो आर का मान एक बार चार दिया एक बार पांच दिया एक बार छः दिया हुआ है इसका मतलब क्या कह रहा है एन सी फोर वन बाई टू पर पावर एन एन सी फाइव वन बाई टू पर पावर एन एन सी सिक्स वन बाई टू पर पावर एन ये किसमें है एपी में ठीक इसका मतलब क्या एन सी फोर एन एन सी सी फाइव और सिक्स भी तो एनसीपी में, में ही होगा तो बाइनोमियल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर आर एथ टर्म आर एथ आर प्लस वन एथ और आर प्लस टू एथ टर्म टर्म इन वन प्लस एक्स होल पावर एन इन ए पी इन ए पी है हमारा तो क्या पढ़ते थे एन माइनस टू आर का होल स्क्वायर बराबर एन प्लस टू ठीक तो आर एथ टर्म कह रहा तो आर एथ टर्म में कॉफिशियंट एन सी आर माइनस वन लिखाता था ना आर में पद में गुणांक क्या लिखाता था एन सी आर माइनस वन लिखाता है इसका मतलब यहां आर का मान जो है वो पांच है का मान यहाँ पाँच तो एन माइनस दस का होल स्क्वायर बराबर एन प्लस टू तो सात और चौदह में ही आएगा सात माइनस दस तीन तीन का माइनस तीन का स्क्वायर नौ सात प्लस दो नौ इधर भी चौदह रखेंगे चौदह माइनस दस चार चार का स्क्वायर सोलह चौदह दो सोलह इधर भी आ जाएगा तो आठ में का ऑप्शन नंबर बी है तो प्रोबिलिटी का लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें कहां से है बाइनोमियल वाला है कॉन्सेप्ट यहां कहाँ से है बाइनोमियल वाला इसमें बहुत लोग निपटेंगे क्लियर <coughs> है समझ में आया कहां से आया ये कैसे आया कहां से शुरू हुआ था कहाँ जाके खत्म हुआ हाँ सही है हरिश्चंद्र जी नरेंद्र जी दीपाली गुप्ता शशिकांत शर्मा हाँ दीपू तिवारी जी सही है अजय विश्वकर्मा अब सही है समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए दो चार पांच ही आंसर आया है सवाल ये प्रोबेबिलिटी का है लेकिन मेन कॉन्सेप्ट इसमें कहां से है बाइनोमियल थ्योरम वाला है द्विपद प्रमेय वाला है हमारा द्विपद प्रमेय वाला अरे अजय भैया चार बार सफल होने की क्या प्रायिकता एन सी चार अ सिक्का एन बार उछाला है ना एन माइनस फोर एक बटा दो पर पावर चार एन सी फाइव एक बटा दो एन माइनस फाइव वन बाई टू पर पावर फाइव एन सी सिक्स वन बाई टू पर पावर एन माइनस सिक्स वन बाई टू पर पावर सिक्स यही तो होगा अगर हम एन बार सिक्के के कुछ रहे हैं तो चार बार हेड आने का ये पांच बार हेड आने का ये छह बार हेड आने का ये ये तो एपी में हो गया ना तो मेरे लाल मेरे पीले इन दोनों को गुणा करेंगे चाहे इसको गुणा करें चाहे इसको गुणा करें एक बटा दो पर पावर एन ही तो आएगा ठीक अब एपी में अगर ये ए पी में है तो एन सी फोर एन सी फाइव और एन सी सिक्स भी तो एपी में होगा ये भी तो एपी में होगा हमारा और क्या पढ़ते हैं हम लोग कि एन सी एन सी आर माइनस वन एन सी आर और एन सी आर प्लस वन इन ए पी तो क्या होता है देन हम लोग फॉर्मूला ट्रिक क्या पढ़ते थे एन माइनस टू आर का होल स्क्वायर बराबर एन प्लस टू तो आर माइनस वन की जगह चार दिया है आर माइनस वन की जगह चार दिया है तो आर बराबर तो पांच तो रखोगे ना तो एन माई पांच दूना दस का स्क्वायर बराबर एन प्लस टू इसी को सॉल्व करेंगे तो एन का मान सात और चौदह आ जाएगा हमारा अब क्या सर एक बार और समझाइए चलिए एक बार और समझा दिया अब तो क्लियर है अब ना समझे तब हम ना समझा सकते हैं इसका मतलब आपने रिवीजन कुछ कर ही नहीं रखा तो हम क्या करेंगे इसमें भाई जान निकाल के रख दें हम कुछ ना हो पाएगा एक एक चीज़ हमने लिख दिया सर इस चैप्टर को कहां से करें दैनिक जीवन से इस चैप्टर को दैनिक जीवन से किया जाता है बाकी किताब आपको कराया इतना असाइनमेंट दिया है यूट्यूब पे पढ़ा दिए हैं, पेड बैच में पढ़ा दिए हैं, उतने करिए और प्रैक्टिस करिए तभी होगा हरे वाह चलिए अगले बयान गिवन टू इवेंट्स ए एंड बी इफ ऑड्स अगेंस्ट ए आर टू इज टू वन एंड दोज इन फेवर ऑफ ए यूनियन बी इज थ्री इज टू वन तो इनमें से कौन सा सही होगा मतलब ए और बी कोई भी दो घटनाएं हैं ए और बी कोई भी दो घटनाएं तो ऑड्स अगेंस्ट ए का प्रतिकूल सयुगा अनुपात ए का क्या कह रहा प्रतिकूल ऑड्स अगेंस्ट मतलब क्या प्रतिकूल सयुगा अनुपात तो घटना ए का प्रतिकूल तो A का प्रतिकूल सयुंगा अनुपात दो अनुपात एक है और घटना ए यूनियन बी का अनुकूल संयोग अनुपात तीन अनुपात एक है हमारा तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान एक बटे दो के बराबर या उससे ज्यादा तीन बटे चार के बराबर या उससे कम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पांच बटे बारह के बराबर या उससे ज्यादा तीन बटे चार के बराबर या उससे कम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक बटा चार या उससे ज्यादा तीन बटे पांच के बराबर या उससे कम चौथा कारा नन ऑफ दिस जल्दी बताएं नौवे नंबर का तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का क्या होगा देखें कौन बताते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं कौन बताते हैं देखिए किसी चीज से आप पीछा छुड़ा लेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा यहां क्या है अब मतलब इस ऑनलाइन की दुनिया में जो आप मैं मतलब महसूस कर रहा हूं बुरा ना मानिएगा भाई जिस दिन आसान आसान क्वेश्चन रहता है उस दिन सब बड़े मजे से करते हैं टीके रहते हैं सबका आंसर देते हैं उत्साह के साथ देते हैं और अंतिम समय तक टिके रहते हैं और जिस दिन थोड़ा सा कठिन चैप्टर होता है जिसमें मतलब सवाल थोड़ा कठिन होता है ठीक या समझने वाला चैप्टर होता है उस दिन आया राम दूठ क्वेश्चन किया अब बस हो गया थक गया जाने दीजिए आज अब नहीं करेंगे ये तो भाई ऑनलाइन की दुनिया है एक क्लिक पे मैं आ जाऊंगा एक क्लिक पे चला जाता हूं तो होना चाहिए उल्टा आसान वाले दिन कम होने चाहिए कम बच्चे रहने चाहिए कठिन वाले क्या रहने चाहिए ज्यादा रहने चाहिए अब आप नाइन टेंथ इलेवन के बच्चे हैं नहीं भाई अब इस लेवल पे हैं <laughs> नाइन्थ का बी सी दीपू जी बी ऑर्ट्स इन फेवर अनुकूल से अनुपात तो क्या दिया है अनुकू प्रतिकूल वाला मतलब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो दिया है वो दो बटे एक दिया यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा एक बटे तीन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा एक बटे तीन अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का अनुकूल दिया है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैस ये दिया है तीन अनुपातें मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तीन बटे चार क्या हो जाएगा अनुकूल स्वयं अनुपात किसको कहते हैं उस घटना के होने और उस घटना के ना होने के अनुपात को और प्रतिकूल स्वयं अनुपात किसको कहते हैं घटना के ना होने और उस घटना के होने की अनुपात को ही क्या जाता कहा जाता है प्रतिकूल स्वयं अनुपात कहा जाता है तो ए का अगर प्रतिकूल से अनुपात दो अनुपात एक दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक बटा तीन होगा ए यूनियन बी का अनुकूल स्वयं अनुपात तीन अनुपात एक दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा तीन बटे चार हो जाएगा हमारा ठीक ये याद है अनुकूल स्वयं अनुपात प्रतिकूल स्वयं अनुपात पढ़े रहेंगे तभी ये चीजें क्लियर हो पाएंगी आपको ठीक है नहीं तो फिर इसी को समझाने में कम से कम एक घंटा लगेगा यहां तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना भाई अब यहां फिर ये बताइए तो प्रोब क्या जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होता है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से ज्यादा या उससे कम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से कम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनइक्वालिटी यही होता है ये बड़े ध्यान की चीज है इसको ध्यान रखना पड़ता है हमें ए का प्रोबेबिलिटी हो चाहे बी का प्रोबेबिलिटी हो दोनों के इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी से तो ज्यादा ही होगा हमारा यूनियन के प्रोबेबिलिटी से कम ही होगा और यूनियन खुद क्या होता है दोनों के सेपरेट प्रोबेबिलिटी के सम से कम होता है हमारा इतनी बात तो अब यहां पे, यहां देख तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकालेंगे तो कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा यह बात तो जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दिया है हमारा ठीक तो यहां से हमारी बाकी चीजें निकल जाएंगी ए यूनियन बी दिया ही है तीन बटे चार तो तीन बटे चार से तो कम ही होगा तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई इसकी कहानी तो खत्म हो गई और इधर कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो पांच बटे बारह प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है तो ये तीन बटा चार आया है शायद और ये कितना है एक बटा तीन है और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो तीन बटा चार माइनस एक बटा तीन करेंगे तो पांच बटे बारह ना तो ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी पांच बटे बारह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा पांच बटे बारह या उससे ज्यादा होगा और तीन बटे चार के बराबर या उससे कम होगा हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा कहा गया यार ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा तीन बटे चार के बराबर या उससे छोटा होगा पांच बटे बराबर पांच बटे बारह के बराबर या उससे ज्यादा होगा हमारा समझ में आई बात सबके या कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए हां तो नौ में का ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन नंबर बी पांच बटे बारह के बराबर या उससे ज्यादा तीन बटे चार के बराबर या उससे कम ये वाला तो चेक ही नहीं करना ए का हो चाहे बी का हो ए यूनियन बी वाले से तो छोटा आएगा ही आएगा यूनियन से ज्यादा किसी का सेपरेट प्रोबेबिलिटी तो आ ही नहीं सकता तो ये तो चेक ही नहीं करना तीन बटे चार के बराबर या उससे कम तो होगा ही होगा बस खाली ये पता कर लें किसके बराबर या उससे ज्यादा होगा बस हो जाएगा काम हमारा <स्थ> समझे कोई डाउट किसी को है तो जल्दी से बताएं एमएम मिश्रा जी चलिए अगले पे आते हैं ए पर्सन ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड रिप्लेसेस इट एंड सफल्स द पैक ही कंटिन्यू डूइंग दिस अंटिल ही ड्रॉ ए पैक द चांस दैट ही विल बी फेल इन द फर्स्ट टू ड्रॉ मतलब क्या कह रहा कोई एक आदमी जो है ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालता है और वापस गड्डी में रख देता है ताश में से एक गड्डी एक पत्ता गड्डी में से एक पत्ता निकालता है और वापस गड्डी में रख देता है यह काम बार बार करता है तब तक करते रहता है जब तक कि उसे हुकुम का पत्ता ना मिल जाए ठीक तब तक करते रहता है जब तक कि उसको हुकुम का पत्ता ना मिल जाए हमारा तो कह रहा है कि पहले दो बार में वो फेल हो जाए इसकी क्या संभावना तो चांस दैट ही विल बी फेल इन द फर्स्ट टू ड्रॉ मतलब पहली बार निकाला तब भी हुकुम का पत्ता नहीं आया दूसरी बार निकाला तो भी हुकुम का पत्ता नहीं आया हमारा ठीक तो इसकी क्या संभावना है ये पूछ रहा है जल्दी बताइए दसवें नंबर का क्या होगा दसवें नंबर का क्या होगा देखें कौन बताते हैं भाई क्वेश्चन नंबर टेंथ क्वेश्चन नंबर टेंथ जल्दी से बताया जाए दसवें का ए राहुल गिरी जी दसवें का ए बता रहे हैं काहे भैया होगा भाई अरे उनतालीस बटे बावन कितना तीन बटे चार दो बार है नौ बटे सोलह डी नंबर ना ए काहे होगा डी होगा ना यार ए क्यों हो जाएगा सीधे सीधे नौ बटे सोलह नौ बटे सोलह हो जाएगा राहुल गिरी जी भी ये बता रहे हैं योगेंद्र जी भी ये बता रहे हैं अमित यादव जी ये बता रहे हैं दीपू तिवारी जी भी ये बता रहे हैं हरीश चंद्र भी ये बता रहे हैं आशीष कुमार जी का भी ये आंसर आया अजय विश्वकर्मा अब जाके डी बता रहे हैं जब मैंने टिक लगा दिया तो अब जा कर के ये भी डी बता रहे हैं ये भी डी बता रहे हैं डी नंबर होगा ना मेरे भाई अरे मेरे भाई पहली बार में हुकुम का पत्ता ना हो टोटल पत्ता कितना चार तरह का होता है हमारा क्या होता है डायमंड का होता है हार्ट का होता है स्पैड का होता है क्लब का होता है तेरा तेरा, तेरा पत्ता सब का होता है तेरा गड्डी में चार तरह का मतलब अगर सूट वाइज देखें तो चार ही रंग से तो दो तरह का होता लाल रंग और काला रंग लाल रंग में दो तरह का होता है एक पान वाला और एक ईंट वाला हमारा जिसको कहते हैं डायमंड और हार्ट का हमारा और काले वाले में भी दो तरह का होता है एक स्पैड का होता है एक क्लब का होता है मतलब हुकुम का होता है और चिड़ी का होता है हमारा तो कह रहा नहीं चाहिए पहले में ये नहीं चाहिए तो कितना उनतालीस और बचा ना स्पैड के अलावा हुकुम के अलावा उनतालीस बचा तो उनतालीस में एक को चुनने का तरीका उनतालीस टोटल बावन पत्ता है तो बावन में से एक को चुनने का तरीका बावन तो तीन बटा चार ना मेरे भाई पहले में हुकुम का पत्ता ना हो इसका मतलब क्या हो जाएगा उनतालीस तो तीन बटा चार और दूसरी बार में भी तो तीन बटा चार क्यों क्योंकि पत्ता निकाल के फिर वापस रख दिया है तो पहली बार में क्या निकला नहीं निकला दूसरी बार को कोई मतलब नहीं ठीक क्योंकि घटनाएं यहां स्वतंत्र होंगी घटना पहली बार में पत्ता जे क्या पत्ता निकल रहा नहीं निकल रहा है उसको दूसरी बार से कोई मतलब नहीं मतलब पहली बार में पत्ता चुने जाने की घटना और दूसरी बार के पत्ता चुने जाने की घटना आपस में क्या होंगी स्वतंत्र घटनाएं होंगी दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि गड्डी में से पत्ता निकाल करके वापस रख दिया है उसने ठीक हाँ अगर वापस ना रखा होता तब फिर स्वतंत्र नहीं होता हमारा लेकिन क्या कर रिप्लेसेस वापस रख दिया है हमारा ठीक तो क्या होगा पहली बार में हुक्म ना आने का तीन बटा चार दूसरी बार में भी हुक्म ना आने का तीन बटे चार दोनों को गुणा कर दिए क्योंकि स्वतंत्र है हमारा तो नौ बटे सोलह क्लियर है समझे या अभी भी हवा हवाई हो गया क्लियर हुआ सबका कि अभी भी डाउट है जल्दी से एक बार बताएं समझ गए सब लोग अजय विश्वकर्मा जी सर क्लास टेंथ का क्वेश्चन था ये हमने पढ़ा था अरे वाह बधाई हो अजय जी चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें करा थ्री क्वाइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली तीन सिक्के को एक बार उछाला जाता है करा देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक आर रिस्पेक्टिवली ठीक है नंबर ऑफ हेड्स प्रोबेबिलिटी मतलब जीरो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी ए है एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बी है दो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी सी है तीन बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी डी है तो इनमें से कौन सा सही है तो इनमें से कौन सा सही है ए बी सी डी का मान ये आपको बताना है ठीक जल्दी से एक बार बताइए तनु कृष्णा जी रिकॉर्डेड तो आपके पास रहेगा ही अगर जल्दी एग्जाम अगर लेट से एग्जाम होगा आपका तो पूरा लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा और अगर जल्दी एग्जाम हो गया तो रिकॉर्डेड तो आप डलवा देंगे डी ट्रिपल पल एस में पूरा क्योंकि तो पीजीटी जी टी का डेट आ गया है आ क्या गया सर आज ही कल में होना भी है डी टी पल एस पी जी टी तो टी जी टी में भी हमको लगता है मैक्सिमम अप्रैल तक एग्जाम टी जी टी का भी हो जाएगा डी टी पल एस जल्दी से ग्यारह नंबर जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ क्या होगा जल्दी से बताएं जल्दी से बताया जाए भाई ये तो बड़ा आसान सा है एक बटा आठ तीन बटे आठ तीन बटे आठ एक बटे आठ एक बार भी होड न आने का मतलब तीनों के तीनों हेड आ जाए तो एक बटा, एक, बटा एक बटा दो एक बटा दो एक बटा दो यानी एक बटा आठ तीनों हेड आने का तीनों हेड आने का अब एक हैड आने का पूछे एक हैड आने का पूछे तो क्या हो जाएगा पर पर पावर पावर तीन बटा आठ दो बार हेड आने का तो, तो भी एक बटा आठ आएगा और तीनों बार हेड आने का वो भी वही आ जाएगा हमारा तो क्या आएगा एक बटे आठ तीन बटे आठ तीन बटे आठ एक बटे आठ कोई दिक्कत नहीं बड़ा आसान सा सवाल था आसान नहीं बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था आपका क्लियर है सबका हाँ बी नंबर सही है इस बार दीपू तिवारी जी शशिकांत शर्मा जी एम एम मिश्रा जी हरीश्चंद्र जी योगेंद्र सिंह जी एकदम एकदम सही इस बार सबका सही जीरो हेड आने का एक बटा दो एक बटा आठ एक हेड आने का एक तीन बटे आठ दो हेड आने का भी तीन बटे आठ और तीनों हेड आने का भी एक बटे आठ तो बड़ा आसान सा सवाल है सी ऑफ दिक्स वर्टिस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागॉन आर चूजन एट्रेंडम द प्रोबिलिटी दैट द ट्रेंगलिस इज इक्विलेटर मतलब सम सठभुज है उसके शीरसों को मिला करके सम सठभुज है उसके शीरसों को मिला करके मिला करके त्रिभुज बनाते हैं उनके शीरसों से तो उसमें से संबाहु त्रिभुज होने की क्या संभावना उन त्रिभुजों में से एक त्रिभुज लिया जाए तो उसके संबाहु त्रिभुज होने की क्या संभावना होगी एक बटा दो एक बटा पांच एक बटे दस एक बटे बीस जल्दी बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर बारह का <coughs> अमित यादव जी बारह का सी अरे वाह आ गया लगता दिखा दिखाया सवाल वेरी गुड अगर समझ में आ गया क्लिक कर गया तो दुई सेकंड का सवाल होता है दो सेकंड से ज्यादा नहीं लगता ज्यादातर सवाल में देखो और टिक लगाओ क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन आपसे उतना टाइम नहीं है कि आपको आई वाला सवाल पूछ देगा इसमें आई में पूछता तो आई में टाइम भी सफिशियंट देता है करने के लिए सिलेक्शन भी वहां 20-25 परसेंट पे हो जाता है यहां तो 70 परसेंट अस्सी परसेंट पे सिलेक्शन होता है <coughs> सी हाँ सही है सही है सही है एकदम सही हेक्सागोन का रहा यह हमारा हेक्सागोन हो गया ए बी सी डी ई एफ ठीक इसमें इक्विलेट्रल कब बन सकता ये जब बनाएंगे ये जब बनाएंगे तब एक इक्विलेट्रल ट्रेंगल बनेगा और दूसरा जब ये बनाएंगे तब इक्विलेट्रल बनेगा मतलब दो ही इक्विलेट्रल ट्रेंगल बन सकता है दो से ज्यादा इक्विलिटर ट्रेंगल ना बन सकता है तो आंसर कितना टू सी वन टोटल ट्रेंगल कितना बनेगा सिक्स सी थ्री हमारा थ्री तो सिक्स सी थ्री कितना आ जाएगा गुना पांच गुना तीन बीस ना तो दो बटे बीस यानी कि एक बटा दस तो ऑप्शन नंबर सी कुल ट्रेंगल जो बनेगा वो बीस बनेगा छह बिंदु से कुल त्रिभुज जो बनेगा बीस बनेगा उसमें से दुए इक्विलेट्रल हो सकता है ठीक तो इक्विलेट्रल यानी संभाव होने का कुल फेवरेबल केसेस दो है टोटल केसेस बीस है तो दो बटे बीस जल्दी से क्लियर है सबका हो ही गया होगा तेरह नंबर प्रबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दम ठीक एम और एन कोई भी दो घटना है तो दोनों में से ठीक एक घटना के होने की संभावना को कौन बताता है दोनों ये तो थियोटिकल क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सब बता देंगे एम और एन कोई भी दो घटना है तो दोनों में से ठीक एक घटना के होने की संभावना को कौन बताता है ये आपसे पूछ रहा है जल्दी से एक बार बताएं तेरह नंबर का क्या होगा क्वेश्चन नंबर तेरह क्वेश्चन नंबर तेरह जल्दी से बताइए क्या होगा <acerca Dustinemitism> <laughs>. तो मतलब क्या पूछ रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एंडस और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन मतलब एम हो तो एन ना हो एन हो तो एम ना हो तो ये क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन हमारा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेरह का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा ये होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी डस क्या पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक ये भी है और इसी दोनों को मिलाकर के ये बना इसे डायरेक्ट भी सूत्र है हमारा हा तेरा का डी हाँ एकदम सही तेरह का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है चौदह नंबर प्रोबिलिटी ऑफ ई वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू प्रोबिलिटी ऑफ ई टू इंटू जीरो पॉइंट फोर प्रोबिलिटी ऑफ ई थ्री इंटू जीरो पॉइंट सिक्स एंड ईवन ई टू थ्री आर इंडिपेंडेंट इवेंट ठीक ई वन और ई टू के जो है क्या है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है हमारा स्वतंत्र घटनाएं हैं परस्पर देन द प्रोबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिज इवेंट्स ईवन ई टू एंड ई थ्री अकेर्स तो क्या होगा ये बताना है वन पॉइंट टू होगा जीरो पॉइंट जीरो फोर एट होगा जीरो पॉइंट एट जीरो एट होगा जीरो पॉइंट नाइन फाइव टू होगा <coughs> चलिए जल्दी से देखें इसका कौन बताते हैं भाई चौदह नंबर का जल्दी से बताया जाए क्या होगा आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन जीरो पॉइंट टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू जीरो पॉइंट फोर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री जीरो पॉइंट सिक्स है ईवन ई टू ई थ्री क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इनमें से किसी एक के होने की क्या संभावना इनमें से किसी एक के होने की क्या संभावना अजय विश्वकर्मा जी चौदह का ये बता रहे हैं राहुल गिरी जी चौबीस का बी बता रहे हैं चौदह का आशीष कुमार जी भी बी बता रहे हैं एम एम मिश्रा जी भी बी बता रहे हैं अरे मेरे भाई क्या होता है ईवन Probability ऑफ E1 यूनियन ई टू यूनियन ई यही तो पूछ रहा है हमारा ठीक तीनों में से किसी एक के होने की मतलब तीनों का यूनियन पूछ रहा था क्या फार्मूला होता प्रोबिलिटी ऑफ E1 वन प्लस प्रोबिलिटी ऑफ E2 टू प्लस प्रोबिलिटी ऑफ ई थ्री माइनस प्रोबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 ये ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दो चार कितना आ जाएगा छः चौक चौबीस वन पॉइंट टू हो जाएगा E1 E2 E3 आपस में क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है स्वतंत्र घटनाएं क्या है स्वतंत्र घटनाएं तो प्रोब ये क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट टू इंटू जीरो पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट टू इंटू जीरो पॉइंट सिक्स और प्लस जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट सिक्स ना क्योंकि ई वन ई टू ई थ्री परस्पर क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं मतलब ईवन इंटरसेक्शन ई टू का प्रोबेबिलिटी कितना प्रोबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबिलिटी ऑफ ई टू अब सॉल्व कर दीजिए इसी को जो है तो कितना आ जाएगा एक दशमलव दो एक दशमलव दो माइनस चार दूना आठ तो आठ बटे सोना तो जीरो दशमलव जीरो आठ माइनस जीरो दशमलव दो चार माइनस जीरो दशमलव एक दो और प्लस छः चार चौबीस दशमलव अड़तालीस तो जीरो दशमलव जीरो फोर एट ना चौबीस दुना अड़तालीस बटे एक हजार ना फोर एट ना हमारा अब इसी को कर लीजिए तो जीरो आठ चौबीस बारह छ सड़तालीस ये शायद आएगा सी नंबर सी नंबर मेरे भाई सी नंबर चौदह का ऑप्शन नंबर सी आएगा ए तो कभी किसी जिंदगी में नहीं हो सकता यार किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा कहां से हो जाएगा चाहे वो कैसी भी घटना रहे कैसी भी घटना रहे तो ए तो जो बता रहे मतलब सही में अगर ऑफलाइन अगर वो मिल जाते अगर क्लास में बैठे हो तो मैं उनका क्या हसर करता कि जितने ए वाले हैं अजय विश्वकर्मा सर कमलेश मौर्य जी जितने ए बता रहे हैं तो ए तो किसी बाकी एक बार बता देते तो, तो अपराध क्षम भी है ठीक भाई हो गया हो गया होगा लेकिन कोई अगर ए बता रहा है तो अक्षम्य अच्छा अपराध कर रहे हैं वो अक्षम्य अच्छा उनका अपराध क्षमा करने के लायक नहीं है अक्षम्य अच्छा अपराध है किसी भी घटना की आप प्रायिकता बता रहे हो और उसका आंसर एक से ज्यादा बता रहे हैं तो मतलब ठीक है समझ में आया सबको कैलकुलेशन कर लीजिएगा यही आएगा अंदाजन ही हम बताए हैं क्योंकि ये तो आएगा नहीं ठीक ये भी कहानी खत्म हो जाएगी तो अंदाजन हमने सी लगाया वही आएगा भी वही आएगा भी हमारा क्लियर है समझे सब लोग या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं और जल्दी से देखो लाइक बहुत देर से नहीं बढ़ा है आज लगता है कठिन पढ़ा रहे हैं थोड़ा तो सा दिमाग का दही बनाने वाला तो आज और ज़्यादा लाइक मिलना चाहिए तो आज और कम मिल रहा है मतलब अब कल से बंद कर देना चाहिए अब खाली पेड़ में जाना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है यूजर ने सर कोई सवाल पूछते हैं तो आप जवाब नहीं देते हैं जवाब देने लायक होता तो बिल्कुल देते हैं बाकी तो सवाल ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं ठीक उसका जवाब देने लगे तो फिर पता चला दो चार घंटा में दो ये चार ठो सवाल हो पाए यूजर नेम जी तो कैसे काम चलेगा हम सबका जवाब देते रह जाएंगे आपका कई बार जवाब दिया मैंने लेकिन अब एक एक करके इंतजार करके हम कहा सवाल पूछो तो क्वेश्चन आंसर का सेशन अलग होता है उसमें पूछिएगा तो जवाब मिलेगा यूजर नेम सर, आप तो ऐसे करें जैसे मैं जितना काम कहता हूं उतना आप कर देते हैं ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं आप चलिए अगले द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज नाइन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज थ्री बाई टू मीन इज नाइन एंड एस डी एस डी यानी क्या स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन जो है वो तीन बटे दो है ठीक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये पूछ रहा ऑप्शन में क्या होगा एक बटा चार प्लस तीन बटा चार पर, पर पावर दस एक बटा तीन प्लस दो बटा तीन पर पावर बारह एक बटा चार प्लस तीन बटा चार पर पावर ग्यारह तीन बटा चार प्लस एक बटा चार पर पावर बारह <coughs> जल्दी से बताएं क्या होगा जल्दी से बताइए टॉपिक से रिलेटेड रहता तो बिल्कुल भरसक मेरा प्रयास रहता कि आंसर देने का लेकिन कई बार कमेंट ऊपर चला जाता है या कई बार वाहियात टाइप के मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं कभी कभी ऐसा आप कुछ और कर रहे हैं तो हर बार सर इसका फॉर्म कब आएगा उसका ये क्या होगा इसका क्या होगा तो उसके लिए तो अलग से एक पूरी क्लास ही ले रहे थे कल भी जैसे आधे घंटे लिया था ये आपके फायदे के लिए ना समय आप जैसे आप सवाल जवाब में सवाल खत मतलब टाइम खत्म कर दें या तो फिर पढ़ा करके खत्म कर दें जल्दी से बताएं क्या होगा पंद्रह नंबर का सर कोई सवाल तो ये तो आप गलत इल्जाम में दिल तोड़ दिया यूजर नेम आपने भाई मैं भी देखता हूं सबका बहुतों का वीडियो देखता हूं जितना सवाल का जवाब मैं देता हूं उतना शायद कोई ना देता है ऑनलाइन में <laughs> बी नंबर राहुल गिरी जी बी नंबर कह रहे हैं धर्मेंद्र गौतम जी बी नंबर कह रहे हैं और लोग भी जल्दी से बताएं अरे मेरे भाई क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स याद कर लीजिए नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो अगर एन है पी क्या है सक्सेस प्रोबेबिलिटी इन वन ट्रायल हो वन ट्रायल ठीक और क्यू क्या हो अनसक्सेस अनसक्सेस प्रोबेबिलिटी इन वन ट्रायल हो वन ट्रायल तो इसका मीन का फार्मूला क्या होता है मीन जो होता है वो एन पी के बराबर वेरियंस जो होता है वेरियंस का फार्मूला क्या होता है एन पी क्यू होता है ठीक और स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है डेविएशन का फार्मूला कितना रूट अंडर एनपी क्यू होता है रूट अंडर एन पी क्यू होता है हमारा ठीक तो अब ये बताइए यहां से सवाल में दो सेकंड का सवाल है तो यहां एनपी बराबर कितना दिया है नौ दिया है एनपी बराबर कितना है नौ है अस्टैंडर्डेविएशन एसडी तीन बटा दो दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मतलब एनपी क्यू एन पी क्यू जो हो जाएगा वो तीन बटे चार हो जाएगा एन पी क्यू जो हो जाए क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है रूट एन पी क्यू ये हमारा तीन बटा दो दिया है तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो एनपी क्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नौ बटे चार रख दीजिए इसका मान तो कितना नौ क्यू तीन बटा चार तो क्यू का मान कितना आ जाएगा एक बटे बार क्या आ जाएगा तीन अच्छा नौ बटे चार आ जाएगा ना सॉरी सॉरी ये स्क्वायर करेंगे तो नौ बटे चार तो क्यू का मान कितना एक बटा चार क्यू बराबर कितना तो पी का मान कितना वन माइनस क्यू यानी कि कितना आ जाएगा तीन बटा चार तो पी का मान तीन बटा चार क्यू का मान एक बटा चार और एन कितना बारह यही होता है ना p प्लस क्यू पर पावर n ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर टू द पावर ट्वेल्व p का मान तीन बटा चार क्यू का मान एक बटा चार और n का मान कितना है बारह है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा समझे याद आया ये याद रखें बड़ा आसान सा होता है आसान क्या बहुत ही आसान पार्ट ये होता है प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है क्लियर है सबका या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें जल्दी से बताया जाए भाई अनिश कुमार जी हां ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें चलिए अगले सवाल पे आते हैं ये समझ गए चलो जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए सब लोग गलती किए थे जबकि सवाल ये आसान होता है ये वाला पार्ट जो होता है बायनोमुलर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का इजी वाला पार्ट होता है इसके सवाल इन जनरल आप लगा लेंगे जो हमेशा आप लोग कभी कभी प्रोबेबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ा दिए हमारे पास के बात नहीं है तो किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं होता हाँ बहुत अच्छे से नहीं कम से कम एवरेज जरूर हम तैयार कर लेते हैं एवरेज जरूर तैयार कर लेते हैं। अरे मेरे भाई एन पी एन पी का मान आया तीन बटा चार और ये नौ है तीन तीन या नौ तो एन का मान बारह आ नहीं जाएगा कमलेश मौर्या जी कह रहे हैं बारह कैसे आया पी का मान तीन बटा चार यहां रख देंगे तो एन का मान बारह आ नहीं जाएगा चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े ए ड्रॉर कंटेंस फाइव ब्लैक एंड फोर ब्लू सॉक्स ए ड्रॉर कंटेंस फाइव ब्लैक एंड फू फोर ब्लू सॉक्स वेल मिक्सड अच्छे से मिला हुआ हमारा ए पर्सन सर्चेज द ड्रॉर एंड पुल्स आउट टू सॉक्स एट रेंडम द प्रोबिलिटी दैट दे मैच ठीक मतलब क्या कह रहा है एक ड्रॉर में हमारा पांच ब्लू रंग का मौजा है और चार जो है वो काले रंग का मोजा है एक आदमी जो है उससे मोजे को खोज रहा है अपना मौजा खोज रहा है भाई सबके साथ ये समस्या होती है खोजने वाली तो सही पेयर खोजे मतलब मैच करे वो सॉक्स इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है मैच करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये पूछ रहा है जल्दी इस बताएं सोलह नंबर क्या होगा सोलह नंबर तो बहुतों को याद होगा बहुत पुराना सवाल है सुभी पाठक ने फोर बाई नाइन बताया है और लोग भी जल्दी से बताइए सुभी पाठक ने फोर बाई नाइन बताया है और लोग भी जल्दी से बताएं, क्या होगा क्या हो जाएगा सेम हो मतलब पाँच वैसे दोनों ब्लैक चुने या दोनों ब्लू चुने और टोटल नाइन है नाइन सी टू तो फाइव सी टू कितना टेन फोर सी टू कितना छ और नाइन सी टू कितना नौ गुना आठ छत्तीस ना छत्तीस सोलह बटे छत्तीस यानी चार बटे नौ हमारा या तो दोनों ब्लैक चुना या तो दोनों ब्लू चुना है तो इतने तरीके से एक जैसा होगा हमारा टोटल तो नौ था तो नौ में से जैसे भी दो चुनने का तरीका है तो नाइन सी टू हाँ एकदम सही फाइव सी टू प्लस फोर सी टू अपॉन नाइन सी टू एकदम सही आपने बताया एकदम सही आपने बताया सोलह का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है क्वाइन इज टॉस फोर टाइम्स द प्रोबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अप ये तो सब है बता देंगे एक सिक्के को चार बार उछाला गया है तो कम से कम एक बार हेड आई बार एकदम बच्चों वाला सवाल है नौ दस वाला छह से आठ में पूछने वाला तो जल्दी सत्रह नंबर बताइए सिक्के को चार बार उछालने पर कम से कम एक बार हेड आने की क्या प्रायिकता होगी सत्रह नंबर जल्दी से बताएं कम से कम है एक बार हेड आने की क्या प्रायिकता होगी सत्रह का सत्रह का सत्रह का हाँ सत्रह का डी कम से कम एक हेड मतलब कि तीनों बार टेल आ जाए तो तीनों बार टेल आने का एक बटा दो एक बटा दो अच्छा चार बार है ना चारों बार मतलब कि एक बटा सोलह आ जाएगा यह नहीं आना चाहिए चारों बार एक बार कम से कम एक बार टेल हेड मतलब कि चारों बार हेड ना आए तो एक माइनस एक बटा सोलह यानी पंद्रह बटे सोलह हमारा पंद्रह हां सत्रह का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही अठारह नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर एक बटा तीन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर एक बटा दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पांच बटा देन इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इंडिपेंडेंट एज वेल एज म्यूचुअली एक्स एग्जॉस्टिव है इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट ऑनली ऑन ए डिपेंडेंट ऑनली ऑन ए ए की प्रोबेबिलिटी दिया है बी का दिया है ए यूनियन बी का दिया है तो पूछ रहा है ए और बी क्या है परस्पर अपवर्जी है ठीक स्वतंत्र पर इंडिपेंडेंट और एग्जॉस्टिव है हमारा इंडिपेंडेंट है और ए पे डिपेंड कर रहा है तो जल्दी से बताए अट्ठारह नंबर का क्या होगा क्वेश्चन नंबर अठारह क्या होगा देखें कौन बताते हैं क्वेश्चन नंबर अठारह क्वेश्चन नंबर 18 कौन बताते हैं अठारह का सी तो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना एक बटा तीन प्लस एक बटा दो पांच बटा छ ये भी उतना दिया है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना ए ही तो हो जाएगा अठारह का सी क्यों हो जाएगा ए ही हो जाएगा एक बटा तीन प्लस एक बटा दो करेंगे वो भी तो पांच बटा छः आएगा तो ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है यानी कि ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं ये फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू वन बाई फोर ठीक और प्रोबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू वन बाई टू देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट प्रोबिलिटी ऑफ ए डस बाई बी इज़ इक्वल टू थ्री बाई फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डस अपॉन ए डस इज इक्वल टू वन बाई टू और डी कह रहा ऑल दब स्वतंत्री अरे बाप रे बाप ऐसा नहीं होता मेरे भाई प्रभु अगर दो घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दोनों कभी नहीं हो सकता अगर इंडिपेंडेंट होगा तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है इस लाइन को याद रखिएगा थियोरिटिकल सवाल एक दो बार पूछा है इस पर तो दोनों चीज़ें कभी साथ में नहीं हो सकती हैं दो घटनाएं है, अगर परस्पर अपवर्जी होगा तो वो स्वतंत्र नहीं हो सकता और अगर स्वतंत्र हो गया तो फिर वो परस्पर अपवर्जी कभी ना हो पाएगा <coughs> उन्नीस का डी 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 है सपना शर्मा जी स्वतंत्र अपवर्जी कोई दो घटनाएं कभी हो ही नहीं सकती हैं सुभी पाठक जी डी बता रहे हैं <coughs> सपना शर्मा जी भी डी बता रहे हैं हाँ ठीक ही होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी मतलब कितना ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि एक बटा चार यहाँ से क्या दूसरे वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितना दिया है एक बटा दो दिया है ठीक तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा एक बटा दो प्रोबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक बटा चार दिया हुआ है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया एक बटे आठ तो है एक बटे है हमारा अब यहां से अगर हम कर लें तो एक बटा आठ प्रोबिलिटी ऑफ बी इंटू एक बटा चार यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर एक बटा दो ठीक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो आया है वो 1 by 8 आया है हमारा और 1 बटा 4 गुना 1 बटा 2 करेंगे तो ये भी 1 बटा ही तो आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of B के बराबर है यानी कि A और B स्वतंत्र घटना है यानी A और B दो स्वतंत्र घटना है तो पहला वाला तो सही है पहला वाला तो सही है हमारा लेकिन अब समस्या यहां क्या ऑल ऑफ द एब भी दे दिया है तो हम ए पे रुक नहीं सकते हैं ऑल ऑफ दिया है तो ए पे हम नहीं रुक सकते हैं। बाकी भी चेक करना पड़ेगा बाकी भी चेक करना पड़ेगा तो इसको देख लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एडस अपॉन बी करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एडस इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा अब यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं आपस में तो ए एडस और बी भी स्वतंत्र होगा ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एडस यानी तीन बटा चार एक बटा दो और एक बटा दो कट गया इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एडस अपॉन बी कितना तीन बटा चार ये भी सही है ठीक उसी तरह से प्रोबिलिटी ऑफ बीडस अपॉन ए एडस करेंगे तो ये किसके बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीडस इंटरसेक्शन ए एडस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एडस हमारा तो बीडस तो बीडस एक बटा दो अब ए और बी स्वतंत्र है तो बीडस और एडस भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो इसको जब हम करेंगे तो कितना आएगा एक बटा दो एक बटे चार और एक बटा चार एक बटा चार एक बटा चार कट गया तो एक बटा दो यानी कि सी वाला भी सही है तो ए भी सही है बी भी सही है सी भी सही है तीनों सही है इसका मतलब आंसर कौन लगेगा ऑल ऑफ लगेगा ऑल एफ द ए सही है बी भी सही है सी भी, भी सही है मतलब ऑल ऑफ द एवब हाँ इसका सही बताया है सबने अजय विश्वकर्मा जी हाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा और बी अगर स्वतंत्र आ गया तो एडस और बी भी आपस में स्वतंत्र होता है एडस और बीडस भी आपस में स्वतंत्र ही होता है हमारा क्लियर है समझ गए तीनों ऑप्शन हमने करके दिखा दिया क्यों चारों हम मतलब डी ऑप्शन किया हमने चेक जरूर कर लेंगे कभी कभी ऐसे 99 परसेंट केस में अगर ऑल ऑफ द एबब है तो आंसर वही होता है लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है ऑल ऑफ द एबब है तो सब रहेगा ही हमारा ऑल ऑफ द एबब है तो बाकी तीनों भी हमें चेक करना पड़ेगा इसलिए हमारी मजबूरी बन गई थी तीनों को चेक करना क्लियर है समझ में आया या कोई डाउट है जल्दी से बताएं फिर अगले सवाल पे चलें जल्दी से बताया जाए तो फिर अगले सवाल पे चला जाए दीपू तिवारी जी हां राहुल जी क्लियर है सुभी पाठक जी क्लियर है सपना शर्मा जी क्लियर है क्लियर है चलिए अगले सवाल पे आए इफ बर्थ टू ए मेल चाइल्ड एंड बर्थ टू ए फीमेल चाइल्ड आर इक्वल प्रोबेबल ठीक मतलब किसी लड़के और लड़की की पैदा होने की संभावना बराबर है लड़का और लड़की के पैदा होने की संभावना बराबर है हमारा ठीक अब कह रहा देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री चिल्ड्रेन बॉर्न टू ए कपल इज मेल तो एक जोड़े को तीन बच्चा होता है एक जोड़े को क्या है तीन बच्चा होता है हमारा तो उन तीनों बच्चा में क्या है कम से कम एक लड़का हो मेल चिल्ड्रेन हो हमारा मतलब लड़का हो इसकी क्या संभावना ये तो बता ही देंगे भाई सब बता देंगे जल्दी से एक बार बताइए हाँ हाँ दो भी चेक कर सकते हैं दो जब चेक करेंगे तो ऑल द एब आ ही जाएगा हमारा हमने बस तीसरा भी चेक करके बताया कि हाँ तीसरा भी सही है ऐसे हमें तीसरा चेक करने की ज़रूरत थी नहीं अगर दुठो सही आ गया तो काम हो गया ऑल द एब भी होगा हमारा फिर तीसरा सही होगा बीसवा बीसवा जल्दी से बताइए किसी जोड़े को लड़का या लड़की होने की संभावना बराबर बराबर होती है थी? तो जोड़े को तीन बच्चे पैदा होते हैं तो तीनों में कम से कम एक लड़का हो इसकी क्या संभावना ये तो सब बता ही देंगे भाई चार बटे पांच, आठ बटे सात सात बटे आठ एक बटे दो ये तो सब बता ही देंगे हाँ, क्या हो जाएगा सात बटे आठ मतलब कम से कम एक लड़का हो मतलब तीनों लड़की ना हो तो तीनों लड़की होने का कितना पहला भी लड़की होने का एक बटा दो दूसरा भी लड़की होने का एक बटा दो तीसरा भी लड़की होने का एक बटा दो मतलब तीनों के तीनों लड़की होने का एक बटे आठ लेकिन तीनों लड़की ना हो कम से कम एक लड़का जरूर है तो तीनों लड़की होने वाले को माइनस कर देंगे सात बटे आठ हमारा ऑप्शन नंबर वही हेड और टेल जैसा ये भी होता है हेड और टेल जैसा ये भी होता है देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है बहुत ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है द प्रोबिलिटी दैट इन ए फैमिली ऑफ फाइव मेंबर्स एग्जैक्टली टू मेंबर्स हैव बर्थडे ऑन संडे ठीक क्या कह रहा है एक परिवार में पांच सदस्य हैं किसी परिवार में पांच सदस्य हो हैं तो ठीक दो सदस्यों का जन्मदिन रविवार को हो इसकी क्या संभावना है तो ठीक दो सदस्यों का जन्मदिन रविवार को हो इसकी क्या संभावना है हमारा जल्दी से एक बार बताइए हां उससे भी कर सकते हैं भाई एट कहाँ है तीन एट हो तो बच्चा पैदा हुआ यार तो एट सी वन कहाँ से कर दोगे अजय विश्वकर्मा जी अरे इतना महंगाई में कौन जोड़ा आज आठ बच्चा पैदा करता यार तीने हैं तीने तो बहुत बेचारा पैदा कर लिया है उसी में तीन ठो में कम से कम एक भारत की परिस्थितियां देखते हुए जो कि अपमानजनक परिस्थिति है कि कम से कम एक लड़का हो मतलब लड़का ना हो तो अरे ठीक है लड़का हो लड़की हो सब ठीक है एट सी वन थ्री सी वन ही तो होगा मेरे भाई थ्री सी वन या थ्री सी टू या थ्री सी थ्री करेंगे हाँ ठीक थ्री सी वन होगा हाँ, एकदम एकदम अजय विश्वकर्म जी उसको भी, भी उससे भी कर सकते हैं हाँ जल्दी से किस नंबर बताइए परिवार में पांच सदस्य हैं परिवार में पांच सदस्य हैं तो ठीक दो सदस्य का जन्मदिन संडे को हो उसकी क्या संभावना है जन्मदिन संडे को हो इसकी क्या संभावना है दीपू तिवारी जी एक इसका सी बी बताए हैं शुभांश स... अच्छा शशिकांत शर्मा जी सी बताए हैं सपना शर्मा जी भी बी बताए हैं और लोग भी बताएं भाई जल्दी से जल्दी से और लोग भी बताएं इक्कीस नंबर का जल्दी से बताया जाए सपना शर्मा जी बी 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 ये बताओ पांच सदस्य है ना तो किसी भी दो का हमारा क्या हो संडे को हो किसी भी दो का क्या हो संडे को हो हमारा पाइव सी टू ना कुछ गलत बी वाला होगा क्या पांच में से दो का हमारा दस और छे पर पावर बाकी तीन का छ दिन में किसी भी रहे नीचे सात पर पावर बी वाला होगा हाँ बी नंबर ऑप्शन नंबर बी इक्कीस का ऑप्शन नंबर बी आएगा <स्थाँ> कैसे पांच में से किसी टोटल कितने हैं पांच हैं पांच मेंबर है, है? है मान लो ठीक तो पांच में से किसी भी दो का हो सकता है ना भाई पांच में से किसी भी दो का संडे को हो सकता है तो पांच में से दो को चुना तो फाइव सी टू टेन हमारा ठीक तो इन दोनों का जो हो गया ये तो संडे को हो गया ये तो क्या हो गया संडे को हो गया बाकी हमारा कितना तीन सदस्य और बचेगा दो का तो हो गया संडे को हमारा तो दस तरीके से हो सकता है बाकी तीन सदस्य और बचा तो बाकी तीन सदस्य का संडे के अलावा किसी दिन भी हो सकता है ना मतलब क्या है मेंबर M1, M2, M3, M4, M5। तो मान लिया हमने इन दोनों का संडे को हो गया तो इसका कितने तरीके से हो सकता है छह तरीके से इसका भी छह तरीके से इसका भी छह तरीके से जन्मदिन हो सकता है हमारा ठीक संडे के अलावा किसी भी तो क्या होगा फेवरेबल केसेस दस गुना छह पर पावर तीन और अगर टोटल केसेस की बात करें टोटल हमारा तो पांचों का किसी दिन भी हो सकता है मतलब पहले आदमी का भी सात दिन में कोई दिन हो जाए सात तरीके से बर्थडे हो सकता है दूसरे आदमी का भी सात तरीके से हो सकता था तीसरे आदमी का भी सात तरीके से हो सकता था चौथे आदमी का भी सात तरीके से हो सकता था पांचवें आदमी का भी सात तरीके से हो सकता था तो टोटल केसेस तो हमारा कितना सेवन टू द पावर फाइव तो टेन इंटू सिक्स टू द पावर थ्री इंटू सेवन टू द पावर फाइव यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सिक्स सी थ्री नहीं सिक्स टू द पावर थ्री सिक्स सी थ्री नहीं अजय विश्वकर्मा जी सिक्स टू द पावर थ्री फाइव सी टू इंटू सिक्स टू द पावर थ्री अपॉन सेवन टू द पावर फाइव ये आंसर होगा पांच में से तो कोई दो आदमी चुन लिए जिसको कि संडे को पैदा करवाना है बाकी जो तीन आदमी है वो किसी दिन भी पैदा हो सकते हैं तो उनके पास धरती पे आने के लिए छह रास्ते हैं ना भाई छह दिन है ना हमारा तो छह दिन में कोई दिन भी उनका जन्मदिन हो सकता है दो आदमी का तो कंफर्म हो गया संडे बाकी तीन आदमी का किसी दिन भी बर्थडे पड़े हमसे कोई दिक्कत नहीं है कोई आपत्ति नहीं है हमारा <coughs> भगवान चले हुजूर आगे समझ गए सब अब ये तो डेली लाइफ की चीजें तो खुद ही सोचना पड़ेगा ना हर चीज के लिए फॉर्मूला तो नहीं हो सकता है ना ऐसा नहीं है कि हम मतलब हम भी कई बार प्रोबेबिलिटी के सवाल में गलती कर देते हैं प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये दोनों खास करके ऐसा चैप्टर है कि आप कितना भी कर लें अगला सवाल आप लग ही जाए थोड़ा सा समझ में इधर उधर हो गया गलती हो जाता है इफ एनी फोर नंबर आर सेलेक्टेड एंड दे आर मल्टीप्लाई देन द प्रोबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट विल बी वन थ्री फाइव और सेवन कोई भी चार नंबर चुना जाता है उसको आपस में गुणा कर दिया जाता है हमारा तो उसके इकाई स्थान पर एक तीन पांच या सात हो इसकी क्या संभावना होगी एक तीन पांच या सात हो इसकी क्या संभावना होगी ये आपसे पूछ रहा है जल्दी से बताइए बाईसवें नंबर का क्या होगा बाईसवें नंबर का क्या होगा देखें कौन बताते हैं क्वेश्चन नंबर बाईस का क्या होगा देखें जल्दी से। एमएससी के एक साल बाद बीएड एड कैसे कर सकता कैसे कर सकते दिठो रेगुलर कोर्स कैसे साथ में चलेगा भाई एक आदमी दो जगह कैसे उपस्थित रहेगा अगर एमएससी भी आप रेगुलर कर रहे हो तो आधे में अगर आप तो छोड़ना पड़ेगा ना एमएससी ब्रेक करना पड़ेगा दो रेगुलर कोर्स एक साथ नहीं कर सकते हैं ना विशाल प्रजापति सर जल्दी से बताइए भाई ट्वेंटी टू का क्या होगा डी नंबर देखो एक तीन पांच सात होने के लिए क्या चाहिए कि जो नंबर चुने उसके इकाई स्थान पे भी एक तीन पांच साथ ही हो ठीक जैसे हम तेरह को सत्रह से गुणा करेंगे तो अंतिम स्थान पे कितना आएगा एक आएगा सत्ताईस या सैंतीस को हम ग्यारह से गुणा करें तो भी क्या आएगा एक आएगा हमारा ठीक पैंतीस को सैंतीस से गुणा करें तो कितना आएगा, आएगा, आएगा? इकाई स्थान पे सात आएगा हमारा अगर हम बारह को मान लो सत्रह से गुणा कर देते ये क्या आ जाता अंतिम स्थान पे चार आ जाता ना तो वो चीज चाहिए नहीं हमारा तो इकाई स्थान पे एक तीन एक तीन पांच सात आने के लिए जो चार नंबर चुने उसके भी अंतिम में एक तीन पांच सात ही रहे हमारा तो टोटल डिजिट होता कितना है जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ द, नौ तक हमें चाहिए इकाई स्थान पे कितना या तो एक या तो तीन या तो पांच या तो सात तो चार तो इन चारों में से किसी एक को चुनने का तरीका कितना चार बटे दस यानी कि दो बटा पांच ऐसे कुल कितने चार नंबर चुने गए हैं ऐसे कुल कितने चार नंबर चुने गए हैं हमारे तो चार नंबर चुने गए हैं तो कितना दो बटा पांच गुना दो बटे पांच गुना दो बटे पांच गुना दो बटे पांच सोलह बटे छे सौ पच्चीस सोलह बटे छे सौ पच्चीस हमारा अजय विस्टेंसी नाइन क्या कह रहे हैं भाई सपना शर्मा जी कहां साथ आएगा भाई अच्छा नहीं यहाँ पाँच आएगा सात नहीं अरे वही समझ लो वही तो आएगा पाँच आएगा सात पचे पैंतीस यहाँ कितना सात आएगा यहाँ कितना एक आएगा तो चाहिए भी तो हमें वही भाई चाहिए भी तो हमें वही था अरे लिखना वही चाह रहे तो उल्टा पुल्टा लिखा गया भाई मतलब आना तो इसी में से कोई ना कोई है ना तेरह का सत्रह से गुणा करेंगे तो भी इन्हीं में से कोई आएगा सैंतीस को ग्यारह से गुणा करेंगे तो भी इनमें से कोई आएगा पैंतीस को इससे गुणा करेंगे तभी इनमें से कोई आएगा लेकिन इसको इससे गुणा करेंगे तो इसमें से नहीं आएगा हमारा इसमें से नहीं आएगा तो एक तीन पाँच सात आने के लिए जो हम नंबर सेलेक्ट करें हम उसके भी इकाई स्थान पर एक तीन पाँच सात ही आना चाहिए तो ऐसा कितना हो सकता है एक नंबर के चुने जाने की दो बटा पांच चार नंबर चुन रहा है तो दो बटा पांच को चार से गुणा कर दिया सॉरी चार बार गुना कर दिया हमने क्लियर है समझे सब लोग या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताइए सपना शर्मा जी ये समझ में नहीं आ रहा अब तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अब तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा जल्दी से बताइए हाँ बाइस का बी ही है कि अभी भी डाउट है और खोल के बताना पड़ेगा ऐसे हमने पूरी तरह से बता दिया है समझा दिया है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एडस इंटरसेक्शन बी डस बराबर एक बटा तीन तो x का मान कितना होगा जल्दी से बताइए तेस नंबर का क्या होगा प्रोबेबिलिटी <coughs> ऑफ A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ B x है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A डस इंटरसेक्शन B डस बराबर एक बटा तीन है तो x का मान कितना है ये पूछ रहा है जल्दी से बताए ट्वेंटी थ्री का कितना होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का जल्दी से बताइए क्या होगा हाय भगवान इतने देर से पढ़ा रहे हैं मतलब ये सौ लाइक तक आज नहीं पहुंचा इतनी देख रहे हो विनोद मास्टर इतनी मेहनत कर रहा बच्चा बिना लाइक किए भाग जा रहे हैं आप मेहनत करिए गुरु जी हम तो ना करेंगे बी नंबर बी ही आएगा क्या हो जाएगा प्रोबिलिटी ऑफ ए डैस इंटरसेक्शन बी डैस अगर करते हैं तो ये प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैस हो जाता है न हमारा तो ये भी एक बटा तीन दिया है यानि प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा दो बटे तीन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा दो बटे तीन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दो बटा तीन एक्स प्लस एक्स टू एक्स माइनस एक बटा तीन ये एक बटा तीन आया ही है ठीक तो इसका मतलब टू एक्स बराबर कितना एक तो एक्स बराबर कितना एक बटा दो तो इसका ए, हाँ। 23 का ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी थ्री का ऑप्शन नंबर ए एक बटा दो यही तो, तो होगा जी बी से हो जाएगा नरेंद्र जी डी बता रहे हैं, धर्मेंद्र गौतम जी बी बता रहे हैं, उमाकांत उपाध्याय जी बी बता रहे हैं ये डिमार्गन थ्योरम से लगा ए क्या होता है का तो यूनियन बी तो दो बटा तीन होगा ए इंटरसेक्शन बी एक बटा तीन दिया ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी थी ये भी है, ये भी है, ये एक बट्टा तीन है ये दो बटा तीन है तो एक्स का वाहन कितना आ जाएगा एक बटा दो आ जाएगा एक बटा दो आ जाएगा, दो आ जाएगा हमारा ठीक इस सब कैसे मतलब गलत हो जा रहा याद मतलब चौबीस नंबर गिवेन दैट द एक्स ये दो है दो डिस्क्रिट रेंडम वेरिएबल विच टेक्स वैल्यू एक्स बराबर जीरो वन टू प्रोबिलिटी ऑफ एक्स बराबर जीरो चौवालिस बटे एक सौ उनहत्तर है एक्स बराबर वन का एक बटा एक सौ उनहत्तर है तो प्रोबिलिटी ऑफ एक्स बराबर दो कितना है कोई रेंडम वेरिएबल है प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तीन केस बन रहा है रेंडम वेरिएबल का वैल्यू जीरो है एक है और दो है जिसमें एक्स बराबर ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी एक सौ चौवालीस बटे एक सौ उनहत्तर है एक्स बराबर वन की प्रोबेबिलिटी एक बटा एक सौ उनहत्तर है तो तीसरा वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर दो की प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये जैसे पूछ रहा है जल्दी से बताइए आयुष जी पता नहीं जब पता करेंगे तब बता पाएंगे भाई अब इतना मैं संविधान थोड़ी लिखा हूं यार यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ थोड़ी जानता हूं ठीक तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, पता कर लेंगे देख करके पता लगा के बताएंगे अब ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे ये पूछ लीजिए तो बता भी देंगे चौबीस पच्चीस चौबीस का जल्दी से बताइए क्या होगा हाँ क्या हो जाएगा बी नंबर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सारे प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा एक के बराबर होना चाहिए तो एक्स वाले का मान लिया क्या है पी है तो पी प्लस एक सौ चौवालीस बटे एक सौ उनहत्तर प्लस एक बटे एक सौ उनहत्तर बराबर जो होना चाहिए वो कितना वन होना चाहिए तो पी का मान कितना आ जाएगा एक में घटा देंगे यानी चौबीस बटे एक सौ उनहत्तर तो 24 का ऑप्शन नंबर बी 24 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से समझ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी किसी भी रैंडम वेरिएबल है तो सारे वैल्यूज का कसम हमेशा एक के बराबर होता है तो दुठो दिया ही है तीसरा पूछ रहा तीनों को जोड़ने पे एक आना चाहिए तो दो दिया है तो दोनों को जोड़ के एक में से घटा देंगे जो आएगा वही तीसरे का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा अरे कराएंगे उसको भी कराएंगे भाई काहे कराए तो थे और एक सर करा ही रहे हम भी करा देंगे कुछ और इफ ए क्वाइन बी टॉस्ट एन टाइम्स देन प्रोबेबिलिटी दैट हैड कम्स ऑड टाइम्स एक सिक्के को एन बार उछाला जाता है एक सिक्के को एन बार उछाला जाता है तो विषम बार हेड आय इसकी क्या संभावना विषम बार हेड आए इसकी क्या संभावना होगी जल्द बताइए विषम बार हेड आने की क्या संभावना होगी <dignity> किसे सिक्के को अगर एन बार उछाला जाए तो एन बार उछालने पर विषम बार हेड आए इसकी क्या संभावना होगी विषम बार हेड आए इसकी क्या संभावना होगी एक बटा दो वन अपॉन टू पर पावर एन माइनस वन वन अपॉन टू पर पावर एन थ्री अपॉन टू पर पावर एन जल्दी से बताइए पच्चीस नंबर का क्या होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्या होगा जल्दी से बताएं <coughs> जल्दी से बताइए देखें ट्वेंटी फाइव का कौन बताते हैं मैथमेटिक्स विथ बालेंद्र सिंह जी बी नंबर बता रहे हैं धर्मेंद्र जी बी बता रहे हैं मयूरेज सिंह जी ए बता रहे हैं दीपू तिवारी जी भी बी बता रहे हैं अरे वाह अजय विश्वकर्मा जी बी अमित यादव जी बी हे प्रभु ए आएगा आए आए ना मेरे भाई बी कैसे आ जाएगा अरे कोई भी सिक्का उछालोगे कितनी बार भी उछालो चाहे विषम बार आए चाहे सम बार हेड या तो सम बार आएगा या तो विषम बार आएगा तीसरी कोई संभावना थोड़ी बन जाएगी बाकी फार्मूले से भी करें फार्मूले से भी करें तो कितना आ जाएगा एक बार हेड आने का एन सी वन वन बाई टू पर पावर एन तीन बार आने का एन सी थ्री वन बाई टू पर पावर एन पांच बार का एन सी फाइव वन बाई टू पर पावर एन एंड सो ऑन तो एक बटा दो पर पावर एन तो कॉमन हो गया बचा कितना एन सी वन एन सी थ्री एन सी फाइव एन सोन इसका सम कितना होता है टू पर पावर एन माइनस वन अपॉन टू पर पावर एन एक बटा दो हो जाएगा ना ऑड बार आने का पूछ रहा विषम बार मतलब एक बार आ या तीन बार आ या पांच बार या सात बार आ एनसी वन प्लस एनसी फाइव थ्री प्लस एनसी फाइव प्लस एन सी सेवन सब ऑड वाले का सम करते हैं कितना टू पर पावर एन माइनस वन नीचे टू पर पावर एन है हमारा तो वन बाई टू होगा ना और ऐसे भी इतना भी नहीं आता तो इसे यार कोई कितने दस बार भी उछालें ठीक या तो सम बार हेड आएगा या तो विषम बार आएगा साढ़े पांच बार थोड़ी हेड आ जाएगा साढ़े सात बार थोड़ी आ जाएगा या तो सोम बार या तो विषम बार भी आने का एक बटा दो भी समवार भी आने का एक बट्टा दो हमारा क्लियर है सर जी ऐसा सोचे ही नहीं तो सोचना तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना तो सोचना तो पड़ेगा ही ना भाई बिना सोचे प्रोबेबिलिटी का नाम ही कि दूसरा नाम है सोचना प्रोबेबिलिटी का तो दूसरा नाम ही है सोचना चलिए अगले सवाल पे आते हैं भाई आउट ऑफ फोर्टी कंसिक्टिव नेचुरल नंबर्स टू आर चूजन एट रैंडम प्रोबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर चालीस लगातार नंबर को चुना गया है चालीस लगातार संख्याओं को चुन में से कोई दो संख्या को यदृया चुना गया है चालीस लगातार पूर्णांकों में से किसी भी दो पूर्णांक को यदृया चुना गया है तो पूर्णांकों का योगफल विषम हो इसकी क्या संभावना तो दोनों चुने गए पूर्णांकों का योगफल विषम हो ऑड हो इसकी क्या संभावना होगी जल्दी से बताइए छब्बीस का क्या होगा छब्बीस का जल्दी से बताया जाए चालीस लगातार पूर्णांकों में से दो पूर्णांकों को यदृषया चुने जाने पर चुने गए दोनों पूर्णांकों का योगफल एक विषम पूर्णांक हो इसकी क्या संभावना है पूछ रहा है जल्दी से बताए देखें सचिन यादव जी 786 एट्टी सिक्स भी बताए हैं और लोग भी जल्दी से बताए भाई और लोग भी जल्दी से बताए क्या होगा दूसरे का छब्बीसवें का सचिन सेवन एटी सिक्स बी नंबर और लोग भी जल्दी बताए अच्छा अरे वाह ऑड कब आता हम लोग जानते हैं ऑड प्लस इवन क्या होता है ऑड होता है ऑड ऑड प्लस ऑड क्या होता है इवन होता है और इवन प्लस इवन क्या होता है ये भी इवन होता है तो हमें ऑड चाहिए तो ये वाला केस चाहिए ना तो ऑड होने के लिए एक ऑड नंबर होना चाहिए एक इवन नंबर मतलब जो दो संख्या चुना उसमें से एक सम संख्या हो एक विषम संख्या हो तभी जाकर के हमारा दोनों को जोड़ने पे विषम संख्या आएगा तो 40 नंबर है तो 40 में से 20 ऑड आएगा और 20 इवन आएगा हमारा तो एक इसमें से चुने एक इसमें से चुने दोनों अगर इसमें से चुन लेंगे तो भी जोड़ने पर क्या आएगा संख्या दोनों इसमें से चुन ले तब भी जोड़ने पे सम संख्या आएगा विषम आने के लिए एक संख्या इसमें से एक संख्या इसमें से मतलब ट्वेंटी सी वन ट्वेंटी सी वन। ये ऐसे अगर दो संख्या चुनाएगा तब जाके जोड़ेंगे तो ऑड आएगा और टोटल चालीस था तो फोर्टी सी टू तो बीस गुना बीस और चालीस गुने उनतालीस बटे दो है ना तो 20 दुना 40 दो से दो कट गया यानी 20 बटे उनतालीस ऑप्शन नंबर बी हाँ इस सही है डीपीडी मैथ्स क्लासेस सी नहीं बी नंबर अरे दीपू तिवारी जी भी सी बोल रहे हैं क्या होगा बी नंबर होगा क्या होगा बी नंबर अच्छा तो सिक्के वाला वहां भी कर दिया अरे सिक्का मरे वो सिक्का वाला केस यहाँ नहीं है वहां पे दु ये संभावना थी चाहे ऑट चाहे इवेन यहां बहुत कुछ बन सकता है हाँ ट्वेंटी सीवन इंटू ट्वेंटी सीवन अपॉन फोर्टी सी टू एकदम सही <coughs> एकदम सही है छब्बीस का समझ गए सब लोग इसको या कोई आपत्ति है कोई दिक्कत है जल्दी से बताएं समझ गए या कोई आपत्ति है जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें छब्बीस का बी चलिए अगले सवाल पे आते हैं सत्ताईस नंबर ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली थ्री टाइम्स द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर ऑफ एक्जेक्टली नाइन ट्वाइसिस मतलब एक, एक सॉरी हाँ दो पास एक पास एक जोड़े पासे को तीन बार फेंका गया है एक जोड़े पासे को तीन बार फेंका गया है हमारा ठीक तो पूछ रहा है उन पर आने वाले अंकों का योगफल दो ठीक दो बार नौ आए इसकी क्या संभावना एक पास जोड़े पासे को तीन बार फेंका जाता है ठीक तो आने वाले अंकों का योग ठीक दो बार नौ आए ठीक दो बार नौ आए इसकी क्या संभावना होगी जल्दी से बताइए सत्ताईस नंबर का क्या होगा ठीक दो बार आए इसकी क्या संभावना होगी जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर सताइस का सत्ताईस नंबर जल्दी से बताया जाए शशिकांत शर्मा जी क्लियर है सत्ताईस का सत्ताईस का जल्दी से बताइए क्या होगा तो क्या कह रहा है? दो बार तो पासे को नौ कब आएगा पांच और चार आ जाए चार और पांच आ जाए तीन और छ आ जाए छ और तीन आ जाए बस यही चार तरीके से नौ आ सकता है और तो आएगा नहीं हमारा तो प्रोबिलिटी इसकी कितनी चार तरीके से ना चार बटे छत्तीस यानी कि एक बटा नौ एक बटा नौ तो पी बराबर एक बटा नौ एक बटा नौ तो Q बराबर कितना अरे याद पी हमारा एक बटा नौ तो क्यू हमारा कितना आठ बट्टे नौ चाहिए क्या तीन बार फेंका गया दो बार चाहिए तो थ्री सी टू वन बाई नाइन पर पावर टू और एट बाई नाइन पर पावर वन तो तीन एक बटा नौ गुना नौ आठ बट्टा नौ।, नौ तो आठ तिया कुछ कटे बट तीन तिया नौ तो आठ बट्टे कुछ गलत हो रहा है क्या छत्तीस एक बटे नौ आठ बटे तो कोई आ ही नहीं रहा यार नौ नवा इक्यासी आठ बटे दो सौ अच्छा तो रहा नौ नौ इक्यासी तीन दो सौ डी नंबर सत्ताईस का ऑप्शन नंबर डी आठ बटे दो सौ तैतालीस ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ना नौ नवा इक्यासी इक्यासी गुना तीन टू फोर्टी थ्री तो एट वाई टू फोर्टी थ्री एट बाई टू फोर्टी थ्री पोदार जी कैसे हुआ इसमें कैसे समझाएं जब रिवीजन जब नहीं किए हैं यह बताओ एक जोड़े पासे को फेंका गया है एक जोड़े पासे को फेंका गया है कितनी बार हमारा तीन बार फेंका गया तो पहले जोड़े पे कहें तो कुल नंबर कितने तरीके सा से आ सकता है एक एक से लेके एक छ तक फिर दो एक से लेकर के दो छ तक इसी तरह से छ एक से लेकर के छ छ तक तो कुल तो हमारा छत्तीस तरीके से आ सकता है टोटल हमारा कितना छत्तीस तरीके से आ सकता है उसमें अब जोड़ने पे नौ कब आएगा तो नौ आने के लिए नौ तो मेरे भाई तभी आएगा ना जब एक पे पहले पे तीन दूसरे पे छ तीन आ जाए चार पांच आ जाए या पांच चार आ जाए तो इसी चार तरीके से तो नौ हो सकता है और कोई पांचवा तरीका तो नौ आने का होगा ही नहीं ठीक है और कोई पांचवा तरीका तो नौ आने का होगा नहीं तो पासे को अगर पहली बार फेंके मतलब एक बार एक जोड़े पासे को एक बार फेंकेंगे हम तो क्या हो जाएगा नो आने के प्रायिकता चार बटे छत्तीस यानी कि एक बटा नौ आ गया हमारा ठीक तो एक बार सफल मतलब नौ आ गया तो लेकिन यह काम कितनी बार किया गया तीन बार किया गया यह काम तीन बार किया गया है और पूछ क्या रहा कि तीन बार में ठीक दो बार नौ आए हमारा तीन में ठीक दो बार कितना आए नौ आए हमारा तो पहले एक बार करेंगे तो एक बटा नौ तो पी किसको मानते हैं प्रयोग को एक बार करने पे सफलता की प्रायिकता तो सफलता की प्रायिकता एक बटा नौ आ गया तो सफलता की प्रायिकता आठ बटा नौ आ गया फार्मूला क्या लिखाए थे ठीक आर बार सफल होने का क्या था एन सी आर पी पर पावर आर क्यू पर पावर एन माइनस आर तो यहां एक जोड़े पासे को कितनी बार फेंका गया तीन बार फेंका गया तो एन का मान तीन हो गया कितनी बार सफल होना कितनी बार हमें नौ लाना है दो बार लाना है तो आर का मान दो हो गया जोड़े को जब एक बार फेंके थे तो नौ आने की क्या प्रायिकता थी एक बटा नौ था हमारा तो आर दो बार था तो टू हो गया और नहीं आने का कितना आठ बटा नौ पर पावर एक, इसी को सॉल्व कर लिया थ्री सी टू टी वन बाई नाइन वन बाई नाइन एट बाई नाइन तीन नौ आठ बट्टे दो सौ तैतालीस आ गया अब एकदम में फार्मूला ना रहेगा तो हम कैसे बता पाएंगे भाई शालिनी पुद्दार जी बोले कैसे आया तो ऐसे आया शालिनी जी इससे ज्यादा इसमें हम मदद आपकी नहीं कर सकते हैं जब एकदम ही फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो हम जादू की घुट्टी कैसे पिला दें हर चीज हमने बता अब क्लियर है सबका कभी भी डाउट है फरिपा, फरिपा। तो अजय विश्वकर्मा जी यही नहीं यही चीज तीन बार होगा तीन गुना एक बट्टे नौ गुना एक बट्टे नौ गुना, गुना आठ बटा नौ अब सब समझ गए कभी भी डाउट है जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें वाह चलिए अगले सवाल पे आते हैं ए क्वाइन इज टॉस एन टाइम्स देन प्रोबेबिलिटी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एट लीस्ट वन इज ग्रेटर देन जीरो पॉइंट एट देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ एन मतलब किसी सिक्के को एन बार उछाला गया है किसी सिक्के को एन बार उछाला गया है तो कम से कम एक बार शीर्ष आने की प्रायिकता 0.8 से ज्यादा है। कम से कम एक बार शीर्ष आने की प्रायिकता 0.8 से ज्यादा है तो एन का मान कम से कम क्या होना चाहिए तो एन का मान कम से कम क्या होना चाहिए दो तीन चार पांच क्या होना चाहिए जल्दी से बताइए अट्ठाइस नंबर का क्या होगा ट्वेंटी एट का जल्दी इस बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट तीन भी पाठक जी ने तीन बताया एको हेड ना आए तो इसकी प्रायिकता वन बाई एन कम से कम एक बार हेड का आ रहा तो एक से ये घटेगा ये कह रहा जीरो पॉइंट एट से ज्यादा हो हमारा ठीक इसका मतलब इसको इधर ले जाए तो जीरो पॉइंट टू वन बाई टू पर पावर एन मतलब वन बाई टू पर पावर एन जीरो पॉइंट एट से ज्यादा होना चाहिए जीरो पॉइंट टू से ये कम होना चाहिए तो एक रखेंगे तो 0.2 ग्रेटर देन एक बटा दो गलत है 0.2 ग्रेटर देन एक बटा चार ये भी गलत है 0.2 ग्रेटर देन एक बटा आठ तो ये सही है ये ये तो जीरो दो पांच आ जाएगा ये जीरो दसमलव आ जाएगा तो ये भी गलत है ये भी गलत है यहां से सही है अब इसके बाद तीन या तीन से ज़्यादा चाहे जितना भी रखें तो क्या होगा बी होगा एन का मान कम से कम तीन तो होना ही चाहिए एन कामान कम से कम कितना होना चाहिए तीन होना चाहिए हमारा नहीं धर्मेंद्र भैया बी होगा डी नहीं डी को पलट दीजिए अरे एक सिक्के को एन बार उछाला जाए पूछ रहा है कि कम से कम कितना बार सिक्के को उछाले कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता हो वो जीरो दशमलव आठ से ज्यादा जीरो दशमलव आठ से ज्यादा हो यह क्वेश्चन कह रहा है एक सिक्के को एन बार उछाला जाता है तो उस पर कम से कम एक बार शीर्ष आने की प्रायिकता जीरो दशमलव आठ से अधिक होने के लिए एन का मान क्या होना चाहिए यह सवाल था जय विश्वकर्मा सर अब सब समझे कि अभी भी ना समझे जल्दी से एक बार बताइए बी नंबर क्लियर है सबका चला जाए आगे अब अब ना पढ़ाएंगे अब इसका आंसर आप लोग दीजिएगा भाई क्या होगा लेट ई सी डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई लेट ई एफ जी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट विथ प्रोबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन जीरो एंड प्रोबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर जीरो, देन प्रोबिलिटी ऑफ ई टू दावर C इंटरसेक्शन F टू द पावर C अपॉन G किसके बराबर होगा किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। मतलब पावर सी लगा है इसका मतलब उसके पूरा घटना की बात कर रहा है हमारा अब कह रहा है कि ई एफ जी जो है वो जोड़े में आकर के क्या है परस्पर स्वतंत्र घटना है मतलब ई e और एफ आपस में स्वतंत्र है एफ और जी आपस में स्वतंत्र है ई e और जी भी आपस में स्वतंत्र है हमारा जी की प्रोबेबिलिटी जीरो से ज्यादा है वो तो होता ही मतलब जीरो नहीं हो सकता जी की प्रोबेबिलिटी क्योंकि जीरो हो गया तो वो असंभव घटना हो जाएगा और तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है जीरो है ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू पावर सी इंटरसेक्शन एफ टू द पावर सिक्स अपॉन जी किसके बराबर इसमें से होगा ये पूछ रहा है देखें भाई इसको बता ही देते हैं जल्दी से बताइए क्या होगा जल्दी से बताओ इसका क्या होगा ये होमवर्क रहा इसको भी होमवर्क देते हैं एक सवाल और दे रहे हैं तीस इफ ई एंड एफ आर इवेंट्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ग्रेटर देन देन पूछ रहा है क्या ऑकरेंस ऑफ ई इंप्लाइज दैट ऑकरेंस ऑफ एफ मतलब एफ ई e के घटना को बताता है एफ का घटना एफ घटना अगर है तो ई भी घटेगा अकरेंस ऑफ ई उसी तरह से तीसरा और चौथा क्या है ये बताना है आपको उन्तीस तीस का कमेंट में आप आंसर बताएंगे तो थोड़ा सा टॉपिक उसी तरह था समझाने में टाइम भी लग रहा था और सबसे ज्यादा समझाने में टाइम इसलिए लग रहा था कि आप लोग रिवीजन करके नहीं आए थे आप लोग रिवीजन करके नहीं आए थे इसलिए छोटी छोटी बात भी आप लोग पूछ रहे थे देखिए प्रैक्टिस का लाभ तभी मिलेगा आपको ऐसे मैंने फार्मूला सब रिवाइज भी कराने का प्रयास किया है लगभग प्रोबेबिलिटी की चीजें आ गई हैं बस बेस्ट थ्योरम इस्तेमाल एक नहीं हुआ बाकी सब चीज आपका आ गया लेकिन आप उसको एक बार देख के आएंगे तभी समझ में आए आ पाएगा अदरवाइज दिक्कत है कल इन रहेगा कल इनईक्वलिटी रहेगा आपका आठ बजे से कल आपका इन रहेगा और कल आखिरी रहेगा उसके बाद ऐप पे ही क्लास चलेगी कल आपका आखिरी रहेगा उसके बाद खाली यूट्यूब पे सैटरडे और संडे ही रहा करेगा कल भर रहेगा कल इनिक्वालिटी का चलिए बाकी कोई दिक्कत है तो आप संपर्क कर सकते हैं छियानवे अट्ठाईस पंचानवे बिरानवे सैतीस पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं हर तरीके के बैचेस के लिए जय हिंद जय भारत